Disclaimer, this film is a work of fiction. Although inspired from real-life incidents, names, characters, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner, any resemblance to actual person, living or dead, or actual events is purely coincidental. Smoking causes cancer. Smoking kills. Consumption of alcohol is injurious to health. हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आती है तेरी सादगी। फिल्म होने वाली है जो ओ माय गॉड फिल्म का सीक्वल होने वाला है। अब इस फिल्म में यामी गौतम, अक्षय कुमार और साथ ही पंकज त्रिपाठी भी नजर आने वाले हैं, वो भी लीड रोल में। इस फिल्म की शूटिंग चालू हो चुकी है एंड शूट के दौरान काफी सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं। बता दें कि फैंस से काफी अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें अक्षय बहुत ही अलग नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म ओ माय गॉड 2 के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या ओ माय गॉड 2 फिल्म में और कोई एक्टर ऐड होने वाला है? जी हाँ, सोर्सेस से सुनने में आया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐड हो सकते हैं इस फिल्म में, जो हमें लास्ट नजर आए थे सीरियस मैन में, जिसमें उनका रोल बहुत ही जबरदस्त था और साथ ही उनकी एक्टिंग टॉप क्लास थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत से डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और साथ में बहुत से बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया हुआ है, जैसे कि सीक्रेट गेम्स जिसमें उनका लीड रोल था, फिर रात अकेली है उसमें भी उनका लीड रोल था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना करियर काफी लेट स्टार्ट किया और आज उनको बहुत अच्छे ऑफर्स भी आते हैं। और उनको अच्छे ऑफर्स आए भी क्यों ना, आखिर उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है। बट अब इस फिल्म में उनका क्या रोल होगा ये तो फिलहाल के लिए रिवील नहीं किया गया है। बट अक्षय अमित का मानना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इस फिल्म में होने से मूवी नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग कोई रेगुलर एक्टिंग नहीं है, काफी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, जो आजकल की जनरेशन देखना काफी ज्यादा प्रेफर करती है। तब उनका क्या रोल होगा इस फिल्म में, ये तो हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलने वाला है। क्या लोगों को पसंद आएगा अक्षय कुमार का नया अंदाज? क्यों परेश रावल ने रिजेक्ट की फिल्म की स्क्रिप्ट? क्या पंकज त्रिपाठी ले पाएंगे परेश रावल की जगह? दोस्तों, फिल्म OMG 2 ये 2012 में आई फिल्म OMG का सीक्वल है। पिछली बार अक्षय जहां कृष्णा के अवतार में दिखाई दिए थे, वहीं इस बार अक्षय का किरदार भगवान शिव पर बेस्ड है। अक्षय की एक्टिंग पिछली फिल्म में दर्शकों द्वारा काफी सराही गई थी। अक्षय कुमार को लेकर तब लोगों ने कहा था कि भले ही वो इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाई थी। अक्षय कुमार जो पैडमैन और टॉयलेट जैसी सोशल फिल्मों को करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार भी OMG 2 से कुछ हटके करने वाले हैं। फिल्म की कहानी वही प्रीक्वल की तरह कोर्ट रूम में आकर पहुंचेगी, लेकिन फर्क यही है कि इस बार राइटर
अमित राज ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक में भगवान का एंगल जोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अक्षय कुमार जो इस बार भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे, वो फिल्म में अपने अंदाज और डायलॉग से कुछ ऐसी सीख दर्शकों को देने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म से अक्षय का लुक सामने आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म OMG 2 में इस बार एक्टर परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी लेने वाले हैं। सुनने में आया है कि परेश को OMG 2 की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने फिल्म को करने से ही मना कर दिया। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट कोर्ट जाकर एक पेटिशन फाइल करवाता है ताकि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी हो सके। ऐसा लगता है कि परेश रावल ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से हेजिटेट कर रहे होंगे। OMG 2 को लाने का मकसद यही है कि लोगों की मेंटेलिटी को थोड़ा सा हम लोग बदल सके, उन्हें सही और गलत में फर्क बता सके। देखा जाए ना तो डायरेक्टर अमित राय ने काफी सोच समझकर परेश रावल का किरदार पंकज त्रिपाठी को सौंपा है। असल में ना दोस्तों, परेश रावल की जगह वही इंसान ले सकता है जिसके चेहरे और चाल से सिंप्लिसिटी नजर आए। OMG के वक्त परेश रावल ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, वो एक आम इंसान के किरदार को पर्दे पर बस जिंदा कर रहे थे। परेश रावल ने अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से जो दर्शकों का दिल हासिल किया था, उस स्टैंडर्ड को सिर्फ पंकज त्रिपाठी ही अचीव करने की ताकत रखते हैं। पंकज त्रिपाठी और परेश रावल में यही कॉमन फैक्टर है कि दोनों एक एक्टर होने से पहले ना एक आम इंसान है। यही कारण है कि वो दोनों एक आम इंसान की जिंदगी और उसकी दिक्कतों को पर्दे पर बारीकी से दिखा पाते हैं। दोनों एक्टर्स के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है उसमें आम इंसान की जिंदगी साफ साफ झलकती है। पंकज त्रिपाठी में वो बिहारी तजुर्बा है, वहीं परेश रावल में मराठी रुतबा है। दोनों ही एक्टर्स अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने में जरा भी पीछे नहीं है। फिल्म OMG 2 में पंकज त्रिपाठी से यही पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार लोगों को परेश रावल की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पंकज जानते हैं कि OMG के वक्त परेश रावल के परफॉर्मेंस को लोगों ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया था बल्कि वो इसे रिस्पेक्ट भी करते आए हैं। यही कारण है कि OMG 2 में पंकज परेश की जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि वो अपने अंदाज में एक अलग माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ वो और उनकी एक्टिंग को पसंद करने वाले दर्शक होंगे। क्या OMG 2 कॉन्ट्रोवर्सी की शिकार होगी? जो भी हो, हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ तो कह ही सकते हैं कि डायरेक्टर अमित राय अपनी इस फिल्म को किसी भी नेगेटिव बातों में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जब अमित राय इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो अच्छे से समझ रहे थे कि सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को गॉड का एंगल दे रहे हैं। इसके अलावा अमित राय को ये भी मालूम था कि जब कोई पहली बार किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करता है ना, तो सोसाइटी का कुछ हिस्सा यकीनन ऐसा होता है जो हथियार उठाने को हर वक्त तैयार रहता है। इसी कारण अमित ने समझदारी दिखाते हुए इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की है। वहीं ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म ऐसे वक्त पर आ रही है जहां देश भर में शिवजी की पूजा हो रही है। देखते हैं ये बात फिल्म पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ती है। देखा जाए तो जब अक्षय की फिल्म पैडमैन आई थी तो उससे पहले तक लोग पैड वर्ड को पब्लिकली यूज करने से भी घबराते थे, हेजिटेट करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद सबकी आंखें खुली है। क्या पता OMG 2 भी कोई कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो। फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। वही मोस्ट अवेटेड फिल्म के सीक्वल ओ माई गॉड 2 अब सिनेमा घरों में होगी। वही अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, साथ ही ओ माई गॉड की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दो दोस्तों कि फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी मुख्य किरदार में हैं। ओ माई गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार अपनी सोशल कॉमेडी ओ माई गॉड 2 के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं। दोस्तों पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, आ रहे हैं हम, आइएगा आप भी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में। पोस्ट में अक्षय कुमार भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार की ये फिल्म OTT के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं और ये भारत में यौन शिक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। इसका निर्देशन अमित राय ने किया है, जिसमें निर्माता अश्विन बर्दे हैं और वाईकॉम 18 और जियो स्टूडियोज भी हैं। दोस्तों, हाल ही में अक्षय कुमार ने ओ माई गॉड 2 के बारे में बात की थी और इसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक भी बताया था। ओ माई गॉड 2 जैसी पसंदीदा चीज की फ्रेंचाइजी स्पिन करना एक जिम्मेदारी है और टीम दर्शकों की सभी अपेक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। दोस्तों, इस समय पर्दे के पीछे से रिलीज की योजना पर काम किया जा रहा है और टीम इस साल बड़े पर्दे पर अपनी सामाजिक कॉमेडी लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, पिछली बार अक्षय कुमार कृष्णा के अवतार में दिखे थे, जिसमें नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा को भगवान बन समझाया था। वहीं अब शिव के रूप में तांडव करते कुछ नया संदेश समाज को देने वाले हैं। दोस्तों, आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जी। क्या अक्षय करेंगे करियर स्विच? क्या डायरेक्शन से कवर करेंगे एक्टिंग का क्रिटिसिज्म? कैसे हो रहा है अक्षय को बैक टू बैक मूवीज से नुकसान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। हर साल 10 से ज्यादा मूवी बनाने वाले हमारे अक्षय अब क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करने की वजह से आ रहे हैं दिक्कत में। उनकी हाल ही की मूवीज जैसे बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और आने वाली राम सेतु को जिस टाइप की क्रिटिसिज्म ऑडियंस से मिल रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अक्षय की ये ज्यादा मैक्सिमम मूवीज करने वाली स्ट्रेटेजी हो रही है फेल। ऑल्दो आज हम उनकी उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पार्ट 1 में पास्ट में ऑडियंस को काफी पसंद आया था और शायद इसीलिए डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक बार फिर ओ माई गॉड 2 के साथ हो रहे हैं हाजिर। इस मूवी में हमें अक्षय दिखेंगे भगवान शिव के अवतार, वहीं इनके साथ साथ हमें और भी स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे अरुण गोविल, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा। अब वैसे हमें भी अक्षय के अलावा किसी और एक्टर के रोल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए लीड एक्टर अक्षय की तो ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमारे मिस्टर खिलाड़ी इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस बार कुछ ये भी बोल रहे हैं कि शायद अक्षय अपनी एक्टिंग करियर से परेशान होकर अब ले रहे हैं डायरेक्शन का सहारा। ऑल्दो अक्षय ने इससे पहले प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रखा है, लेकिन शायद इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए वो डायरेक्शन से करना चाह रहे हैं ऑडियंस को इम्प्रेस। अगर अपडेट पर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्षय को मिल रही बैक टू बैक क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपना पूरा करियर ही एज अ डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं और मे बी तब वो अपने डायरेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं लूपहोल्स जो उनकी एक्टिंग में लोगों को आज दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मूवी के बारे में मेकर्स ने कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी है, तो हमें अभी के लिए करना होगा इंतजार। साथ ही साथ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अक्षय ओ माई गॉड 2 के साथ साथ गोरखा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर ये मूवीज दिखने वाली हैं। पर फिलहाल के लिए देखना ये है कि क्या अक्षय डायरेक्टर बनकर पा पाएंगे ऑडियंस की वाहवाही। इस सवाल पर हम आपके ओपिनियन भी जरूर जानना चाहेंगे, जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता। कैसी होगी मूवी की पब्लिसिटी? कौन होगा त्रिदेव के रूप में? किसकी होगी ग्रैंड एंट्री? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं 2012 में ओ माई गॉड रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल ने मिलकर बॉलीवुड को एक मास्टरपीस दिया था और अब इसी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय का होगा लीड रोल। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार प्ले किया था, वैसे ही अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो इस अपकमिंग मूवी में करने वाले हैं भगवान शिव का कैरेक्टर। हालांकि मूवी में अक्षय के अलावा काफी और भी एक्टर्स हैं जो इस अपकमिंग मूवी को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षय के साथ साथ यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और प्रभु श्रीराम यानी अरुण गोविल भी दिखने वाले हैं। अब इस बारे में लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अपकमिंग मूवी में हमें एक नहीं तीन देवता देखने को मिल सकते हैं, यानी कि त्रिदेव, जहां हमें अक्षय एज भगवान शिव, अरुण गोविल एज भगवान विष्णु और शायद पंकज त्रिपाठी एज ब्रह्मा दिख सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि त्रिदेव के कैरेक्टर में हमें अक्षय और अरुण के साथ कोई और कैरेक्टर देखने को मिले जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया हो।
और वहीं दूसरी तरफ पंकज का परेश रावल को रिप्लेस करें। ये तो हो गई स्टोरी लाइन की बात, लेकिन हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि लोगों का अरुण गोविल यानी फेमस प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना है कि इस अपकमिंग मूवी में उनकी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण गोविल से काफी लोगों के इमोशंस और सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिनका फायदा डायरेक्टर जरूर उठाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस मूवी में फेम लाने की मेन वजह अरुण गोविल ही बन जाएं। उनकी ऑसम एक्टिंग और पुराने गुडविल से क्या पता ये अपकमिंग मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब बस देखना यह है कि कौन बनेगा मूवी का मेन अट्रैक्शन, अक्षय या अरुण। फिलहाल हम तो अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। आप जरूर हमें बता सकते हैं अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना होगा। धन्यवाद। परेश रावल क्यों नहीं है ओ माय गॉड 2 का हिस्सा? पंकज त्रिपाठी की जगह कौन था मेकर्स की पहली पसंद? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फाइनली अक्षय कुमार की सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। ओ माय गॉड 2 साल 2012 में आई अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माय गॉड का सीक्वल है। इस फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमार भगवान श्री कृष्ण के किरदार में नजर आएंगे। मूवी से जुड़ी एक बात ने सभी को चौंका दिया था। ओ माय गॉड 2 में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल दिखाई नहीं देंगे। परेश रावल ने फिल्म ना करने की वजह है उनकी बढ़ती डिमांड। दरअसल परेश रावल ने इस फिल्म के लिए मोटी रकम की डिमांड की थी, हालांकि मेकर्स ने उनकी बात नहीं बनी और अभिनेता ने फिल्म ना करने का फैसला किया। ओ माय गॉड 2 के लिए परेश रावल पहली पसंद थे। दरअसल मेकर्स ने उनसे बातचीत भी शुरू कर दी थी, हालांकि अभिनेता का मानना था कि उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्हें फिल्म के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले पार्ट में वो लीड एक्टर थे और इसकी सक्सेस के पीछे भी वो ही थे। निर्माताओं को लगा कि परेश रावल की बढ़ती डिमांड से बजट गड़बड़ा जाएगा। परेश रावल ने मार्केट के सामने प्रॉफिट शेयरिंग का दूसरा ऑफर रखा, हालांकि मेकर्स को अभिनेता का ये ऑफर भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगता है कि इस प्रोजेक्ट में पहले से ही कई निर्माता शामिल होंगे। कई बार बातचीत करने के बाद ये सौदा नहीं हो पाया। इसके बाद परेश रावल ने फिल्म से अलग होने का फैसला किया। परेश रावल को लगता है कि उन्हें जो रकम ऑफर हुई है वो उससे ज्यादा के योग्य हैं। परेश के बाहर निकलने के बाद ही निर्माता पंकज त्रिपाठी को साइन करने के लिए आगे बढ़े। निर्माताओं का विश्वास पंकज त्रिपाठी की कहानी में नया मोड़ लेकर आएंगे। पंकज त्रिपाठी बस नाम ही काफी है, इनका परिचय इनका काम देता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान, नील बटे सन्नाटा, स्त्री, न्यूटन जैसी फिल्में हों या फिर सेक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस जैसी वेब सीरीज, पंकज त्रिपाठी ने सब में टिप टॉप परफॉर्मेंस दी है। वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो छा जाते हैं, भले ही सीन में कोई भी हो, सबकी नजरें इन्हीं पर होती हैं। और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अक्षय और पंकज में कौन लाइमलाइट लेता है। आपको क्या लगता है कौन होगा बेस्ट? कितने का है अक्षय का 3D पंकी बैग? किस शहर में हुआ फिल्म का शेड्यूल पूरा? दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार उत्तराखंड से अपनी आने वाली फिल्म ओ माय गॉड ओएमजी 2 की शूटिंग कर मुंबई लौटे हैं। अक्षय कुमार को मुंबई के एक एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस वक्त उन्होंने पैपराजी का अभिवादन भी किया और फोटो के लिए पोज भी दिए, लेकिन अक्षय से ज्यादा उनके बैग ने लोगों का ध्यान खींचा है। ये कोई सिंपल बैकपैक नहीं था, बल्कि एक पंकी बैग था जिसमें LED डिस्प्ले लगी थी। क्या आप पंकी बैग की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं? अक्षय कुमार बीती शाम मुंबई के एक एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। उन्होंने ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। उन्होंने अपने लुक को सफेद जूते और सनग्लासेस से कम्प्लीट किया। साथ ही साथ एक बैग अपनी पीठ पर ले रखा था। इस बैग में LED डिस्प्ले लगी हुई थी। इसकी शेप उल्लू के चेहरे की तरह दिखी। इसमें 2 लाल आंखें भी बनी हुई थी। वैसे बैग की कीमत 9,000 रुपए से शुरू होकर 35,000 रुपए तक है। हालांकि ये बैग कुछ लोगों के बजट में आ जाएगा और कुछ लोगों के लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। संभवतः बॉलीवुड के बड़े स्टार होने के नाते उन्होंने सबसे हाईएस्ट प्राइस वाला बैग लिया है। ये बैग देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और अक्षय इसे बड़ी शिद्दत से कैरी करते हुए नजर आते हैं। इस बैकपैक के साथ अक्षय कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग कमेंट कर बैग को इससे भी सस्ता बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा,
मार्केट में ये बैग 2000 का मिल जाता है। एक अन्य यूजर ने लिखा, वो बैग नहीं है, उसमें राज कुंद्रा बैठा है मास्क लगा के, शिल्पा शेट्टी वाला। एक और यूजर ने लिखा, इतना तो मेरा बैंक बैलेंस भी नहीं है। एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में वो अपनी पीठ पर बने आरव नाम के टैटू को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आए थे। आरव उनके बेटे का नाम है। उनके गले में रुद्राक्ष माला भी दिखी थी। अक्षय ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा था, अद्भुत देवभूमि में एक अद्भुत शूट शेड्यूल पूरा किया, लव यू उत्तराखंड, आशा है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ये अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म ओ माय गॉड का सीक्वल है। दोस्तों, ओ माय गॉड कॉमेडी फिल्म थी। इसमें भगवान मॉडर्न है और भगवान और भक्त के बीच की बातचीत को कॉमेडी अंदाज में दिखाया गया है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्या अक्षय करेंगे करियर स्विच? क्या डायरेक्शन से कवर करेंगे एक्टिंग का क्रिटिसिज्म? कैसे हो रहा है अक्षय को बैक टू बैक मूवीज से नुकसान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हर साल 10 से ज्यादा मूवी बनाने वाले हमारे अक्षय अब क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करने की वजह से आ रहे हैं दिक्कत में। उनकी हाल ही की मूवीज जैसे बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और आने वाली राम सेतु को जिस टाइप की क्रिटिसिज्म ऑडियंस से मिल रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अक्षय की ये ज्यादा मैक्सिमम मूवीज करने वाली स्ट्रेटेजी हो रही है फेल। ऑल्दो आज हम उनकी उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पार्ट वन में पास्ट में ऑडियंस को काफी पसंद आया था और शायद इसीलिए डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक बार फिर ओ माय गॉड 2 के साथ हो रहे हैं हाजिर। इस मूवी में हमें अक्षय दिखेंगे भगवान शिव के अवतार, वहीं इनके साथ साथ हमें और भी स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे अरुण गोविल, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा। अब वैसे हमें भी अक्षय के अलावा किसी और एक्टर के रोल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए लीड एक्टर अक्षय की तो ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमारे मिस्टर खिलाड़ी इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस बार कुछ ये भी बोल रहे हैं कि शायद अक्षय अपनी एक्टिंग करियर से परेशान होकर अब ले रहे हैं डायरेक्शन का सहारा। ऑल्दो अक्षय ने इससे पहले प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रखा है, लेकिन शायद इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए वो डायरेक्शन से करना चाह रहे हैं ऑडियंस को इम्प्रेस। अगर अपडेट पर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्षय को मिल रही बैक टू बैक क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपना पूरा करियर ही एज अ डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं और मे बी तब वो अपने डायरेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं लूपहोल्स जो उनकी एक्टिंग में लोगों को आज दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मूवी के बारे में मेकर्स ने कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी है, तो हमें अभी के लिए करना होगा इंतजार। साथ ही साथ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अक्षय ओ माय गॉड 2 के साथ साथ गोरखा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर ये मूवीज दिखने वाली हैं। पर फिलहाल के लिए देखना ये है कि क्या अक्षय डायरेक्टर बनकर पा पाएंगे ऑडियंस की वाहवाही। इस सवाल पर हम आपके ओपिनियन भी जरूर जानना चाहेंगे, जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता। कैसी होगी मूवी की पब्लिसिटी? कौन होगा त्रिदेव के रूप में? किसकी होगी ग्रैंड एंट्री? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं 2012 में ओ माय गॉड रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल ने मिलकर बॉलीवुड को एक मास्टरपीस दिया था और अब इसी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय का होगा लीड रोल। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार प्ले किया था, वैसे ही अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो इस अपकमिंग मूवी में करने वाले हैं भगवान शिव का कैरेक्टर। हालांकि मूवी में अक्षय के अलावा काफी और भी एक्टर्स हैं जो इस अपकमिंग मूवी को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षय के साथ साथ यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और प्रभु श्रीराम यानी अरुण गोविल भी दिखने वाले हैं। अब इस बारे में लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अपकमिंग मूवी में हमें एक नहीं तीन देवता देखने को मिल सकते हैं, यानी कि त्रिदेव, जहां हमें अक्षय एज भगवान शिव, अरुण गोविल एज भगवान विष्णु और शायद पंकज त्रिपाठी एज ब्रह्मा दिख सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि त्रिदेव के कैरेक्टर में हमें अक्षय और अरुण के साथ कोई और कैरेक्टर देखने को मिले,
जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया हो, और वहीं दूसरी तरफ पंकज का परेश रावल को रिप्लेस करें। ये तो हो गई स्टोरी लाइन की बात, लेकिन हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि लोगों का अरुण गोविल यानी फेमस प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना है कि इस अपकमिंग मूवी में उनकी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण गोविल से काफी लोगों के इमोशंस और सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिनका फायदा डायरेक्टर जरूर उठाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस मूवी में फेम लाने की मेन वजह अरुण गोविल ही बन जाएं। उनकी ऑसम एक्टिंग और पुराने गुडविल से क्या पता ये अपकमिंग मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब बस देखना यह है कि कौन बनेगा मूवी का मेन अट्रैक्शन, अक्षय या अरुण। फिलहाल हम तो अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। आप जरूर हमें बता सकते हैं अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो, और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना होगा। धन्यवाद। परेश रावल क्यों नहीं है ओ माय गॉड 2 का हिस्सा? पंकज त्रिपाठी की जगह कौन था मेकर्स की पहली पसंद? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फाइनली अक्षय कुमार की सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। ओ माय गॉड 2 साल 2012 में आई अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माय गॉड का सीक्वल है। इस फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमार भगवान श्री कृष्ण के किरदार में नजर आएंगे। मूवी से जुड़ी एक बात ने सभी को चौंका दिया था। ओ माय गॉड 2 में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल दिखाई नहीं देंगे। परेश रावल ने फिल्म ना करने की वजह है उनकी बढ़ती डिमांड। दरअसल परेश रावल ने इस फिल्म के लिए मोटी रकम की डिमांड की थी, हालांकि मेकर्स ने उनकी बात नहीं बनी और अभिनेता ने फिल्म ना करने का फैसला किया। ओ माय गॉड 2 के लिए परेश रावल पहली पसंद थे। दरअसल मेकर्स ने उनसे बातचीत भी शुरू कर दी थी, हालांकि अभिनेता का मानना था कि उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्हें फिल्म के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले पार्ट में वो लीड एक्टर थे और इसकी सक्सेस के पीछे भी वो ही थे। निर्माताओं को लगा कि परेश रावल की बढ़ती डिमांड से बजट गड़बड़ा जाएगा। परेश रावल ने मार्केट के सामने प्रॉफिट शेयरिंग का दूसरा ऑफर रखा, हालांकि मेकर्स को अभिनेता का ये ऑफर भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगता है कि इस प्रोजेक्ट में पहले से ही कई निर्माता शामिल होंगे। कई बार बातचीत करने के बाद ये सौदा नहीं हो पाया। इसके बाद परेश रावल ने फिल्म से अलग होने का फैसला किया। परेश रावल को लगता है कि उन्हें जो रकम ऑफर हुई है वो उससे ज्यादा के योग्य हैं। परेश के बाहर निकलने के बाद ही निर्माता पंकज त्रिपाठी को साइन करने के लिए आगे बढ़े। निर्माताओं का विश्वास पंकज त्रिपाठी की कहानी में नया मोड़ लेकर आएंगे। पंकज त्रिपाठी बस नाम ही काफी है, इनका परिचय इनका काम देता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान, नील बटे सन्नाटा, स्त्री, न्यूटन जैसी फिल्में हों या फिर सेक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस जैसी वेब सीरीज, पंकज त्रिपाठी ने सब में टिप टॉप परफॉर्मेंस दी है। वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो छा जाते हैं, भले ही सीन में कोई भी हो सबकी नजरें इन्हीं पर होती हैं। और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अक्षय और पंकज में कौन लाइमलाइट लेता है। आपको क्या लगता है कौन होगा बेस्ट? क्या लोगों को पसंद आएगा अक्षय कुमार का नया अंदाज? क्यों परेश रावल ने रिजेक्ट की फिल्म की स्क्रिप्ट? क्या पंकज त्रिपाठी ले पाएंगे परेश रावल की जगह? दोस्तों, फिल्म OMG 2 ये 2012 में आई फिल्म OMG का सीक्वल है। पिछली बार अक्षय जहां कृष्णा के अवतार में दिखाई दिए थे, वहीं इस बार अक्षय का किरदार भगवान शिव पर बेस्ड है। अक्षय की एक्टिंग पिछली फिल्म में दर्शकों द्वारा काफी सराही गई थी। अक्षय कुमार को लेकर तब लोगों ने कहा था कि भले ही वो इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाई थी। अक्षय कुमार जो पैडमैन और टॉयलेट जैसी सोशल फिल्मों को करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार भी OMG 2 से कुछ हटके करने वाले हैं। फिल्म की कहानी वही प्रीक्वल की तरह कोर्ट रूम में आकर पहुंचेगी, लेकिन फर्क यही है कि इस बार राइटर अमित राज ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक में भगवान का एंगल जोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अक्षय कुमार जो इस बार भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे, वो फिल्म में अपने अंदाज और डायलॉग से कुछ ऐसी सीख दर्शकों को देने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म से अक्षय का लुक सामने आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म OMG 2 में इस बार एक्टर परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी लेने वाले हैं। सुनने में आया है कि परेश को OMG 2 की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने फिल्म को करने से ही मना कर दिया।
फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट कोर्ट जाकर एक पेटिशन फाइल करवाता है ताकि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी हो सके। ऐसा लगता है कि परेश रावल ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से हेजिटेट कर रहे होंगे। ONGT2 को लाने का मकसद यही है कि लोगों की मेंटालिटी को थोड़ा सा हम लोग बदल सके, उन्हें सही और गलत में फर्क बता सके। देखा जाए ना तो डायरेक्टर अमित राय ने काफी सोच समझकर परेश रावल का किरदार पंकज त्रिपाठी को सौंपा है। असल में ना दोस्तों, परेश रावल की जगह वही इंसान ले सकता है जिसके चेहरे और चाल से सिंप्लिसिटी नजर आए। OMG के वक्त परेश रावल ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, वो एक आम इंसान के किरदार को पर्दे पर बस जिंदा कर रहे थे। परेश रावल ने अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से जो दर्शकों का दिल हासिल किया था, उस स्टैंडर्ड को सिर्फ पंकज त्रिपाठी ही अचीव करने की ताकत रखते हैं। पंकज त्रिपाठी और परेश रावल में यही कॉमन फैक्टर है कि दोनों एक एक्टर होने से पहले ना एक आम इंसान है। यही कारण है कि वो दोनों एक आम इंसान की जिंदगी और उसकी दिक्कतों को पर्दे पर बारीकी से दिखा पाते हैं। दोनों एक्टर्स के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है उसमें आम इंसान की जिंदगी साफ साफ झलकती है। पंकज त्रिपाठी में वो बिहारी तजुर्बा है, वहीं परेश रावल में मराठी रुतबा है। दोनों ही एक्टर्स अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने में जरा भी पीछे नहीं है। फिल्म OMG2 में पंकज त्रिपाठी से यही पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार लोगों को परेश रावल की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पंकज जानते हैं कि OMG के वक्त परेश रावल के परफॉर्मेंस को लोगों ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया था बल्कि वो इसे रिस्पेक्ट भी करते आए हैं। यही कारण है कि OMG2 में पंकज परेश की जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि वो अपने अंदाज में एक अलग माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ वो और उनकी एक्टिंग को पसंद करने वाले दर्शक होंगे। क्या OMG2 कॉन्ट्रोवर्सी की शिकार होगी? जो भी हो, हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ तो कह ही सकते हैं कि डायरेक्टर अमित राय अपने इस फिल्म को किसी भी नेगेटिव बातों में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जब अमित राय इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो अच्छे से समझ रहे थे कि सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को गॉड का एंगल दे रहे हैं। इसके अलावा अमित राय को ये भी मालूम था कि जब कोई पहली बार किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करता है ना तो सोसाइटी का कुछ हिस्सा यकीनन ऐसा होता है जो हथियार उठाने को हर वक्त तैयार रहता है। इसी कारण अमित ने समझदारी दिखाते हुए इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की है। वहीं ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म ऐसे वक्त पर आ रही है जहां देश भर में शिवजी की पूजा हो रही है। देखते हैं ये बात फिल्म पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ती है। देखा जाए तो जब अक्षय की फिल्म पैडमैन आई थी तो उससे पहले तक लोग पैड वर्ड को पब्लिकली यूज करने से भी घबराते थे, हेजिटेट करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद सबकी आंखें खुली है। क्या पता OMG2 भी कोई कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो। फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। वही मोस्ट अवेटेड फिल्म के सीक्वल ओ माई गॉड 2 अब सिनेमा घरों में होगी। वही अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, साथ ही ओ माई गॉड की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दो दोस्तों कि फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी मुख्य किरदार में हैं। ओ माई गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार अपनी सोशल कॉमेडी ओ माई गॉड 2 के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं। दोस्तों पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, आ रहे हैं हम, आइएगा आप भी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में। पोस्ट में अक्षय कुमार भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार की ये फिल्म OTT के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं और ये भारत में यौन शिक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। इसका निर्देशन अमित राय ने किया है जिसमें निर्माता अश्विन बर्दे हैं और Y-Com18 और जियो स्टूडियोज भी हैं। दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार ने ओ माई गॉड 2 के बारे में बात की थी और इसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक भी बताया था। ओ माई गॉड 2 जैसी पसंदीदा चीज की फ्रेंचाइजी स्पिन करना एक जिम्मेदारी है और टीम दर्शकों की सभी अपेक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। दोस्तों इस समय पर्दे के पीछे से रिलीज की योजना पर काम किया जा रहा है और टीम इस साल बड़े पर्दे पर अपनी सामाजिक कॉमेडी लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों पिछली बार अक्षय कुमार कृष्णा के अवतार में दिखे थे जिसमें नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा को भगवान बन समझाया था, वहीं अब शिव के रूप में तांडव करते कुछ नया संदेश समाज को देने वाले हैं।
दोस्तों आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, बने रहिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जी। क्या अक्षय करेंगे करियर स्विच, क्या डायरेक्शन से कवर करेंगे एक्टिंग का क्रिटिसिज्म, कैसे हो रहा है अक्षय को बैक टू बैक मूवीज से नुकसान। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हर साल 10 से ज्यादा मूवी बनाने वाले हमारे अक्षय अब क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करने की वजह से आ रहे हैं दिक्कत में। उनकी हाल ही की मूवीज जैसे बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और आने वाली राम सेतु को जिस टाइप की क्रिटिसिज्म ऑडियंस से मिल रही है उसको देखते हुए यही लगता है कि अक्षय की ये ज्यादा मैक्सिमम मूवीज करने वाली स्ट्रेटेजी हो रही है फेल। ऑल्दो आज हम उनकी उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पार्ट वन में पास्ट में ऑडियंस को काफी पसंद आया था और शायद इसीलिए डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक बार फिर ओ माय गॉड 2 के साथ हो रहे हैं हाजिर। इस मूवी में हमें अक्षय दिखेंगे भगवान शिव के अवतार, वहीं इनके साथ साथ हमें और भी स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे अरुण गोविल, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा। अब वैसे हमें भी अक्षय के अलावा किसी और एक्टर के रोल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए लीड एक्टर अक्षय की तो ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमारे मिस्टर खिलाड़ी इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस बार कुछ ये भी बोल रहे हैं कि शायद अक्षय अपनी एक्टिंग करियर से परेशान होकर अब ले रहे हैं डायरेक्शन का सहारा। ऑल्दो अक्षय ने इससे पहले प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रखा है, लेकिन शायद इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए वो डायरेक्शन से करना चाह रहे हैं ऑडियंस को इम्प्रेस। अगर अपडेट पर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्षय को मिल रही बैक टू बैक क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपना पूरा करियर ही एज अ डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं और मे बी तब वो अपने डायरेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं लूपहोल्स जो उनकी एक्टिंग में लोगों को आज दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मूवी के बारे में मेकर्स ने कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी है तो हमें अभी के लिए करना होगा इंतजार। साथ ही साथ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अक्षय ओ माय गॉड 2 के साथ साथ गोरखा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर ये मूवीज दिखने वाली हैं। पर फिलहाल के लिए देखना ये है कि क्या अक्षय डायरेक्टर बनकर पा पाएंगे ऑडियंस की वाहवाही। इस सवाल पर हम आपके ओपिनियन भी जरूर जानना चाहेंगे जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता। कैसी होगी मूवी की पब्लिसिटी, कौन होगा त्रिदेव के रूप में, किसकी होगी ग्रैंड एंट्री। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं 2012 में ओ माय गॉड रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल ने मिलकर बॉलीवुड को एक मास्टरपीस दिया था और अब इसी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय का होगा लीड रोल। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार प्ले किया था, वैसे ही अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो इस अपकमिंग मूवी में करने वाले हैं भगवान शिव का कैरेक्टर। हालांकि मूवी में अक्षय के अलावा काफी और भी एक्टर्स हैं जो इस अपकमिंग मूवी को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षय के साथ साथ यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और प्रभु श्रीराम यानी अरुण गोविल भी दिखने वाले हैं। अब इस बारे में लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अपकमिंग मूवी में हमें एक नहीं तीन देवता देखने को मिल सकते हैं, यानी कि त्रिदेव, जहां हमें अक्षय एज भगवान शिव, अरुण गोविल एज भगवान विष्णु और शायद पंकज त्रिपाठी एज ब्रह्मा दिख सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि त्रिदेव के कैरेक्टर में हमें अक्षय और अरुण के साथ कोई और कैरेक्टर देखने को मिले जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया हो और वहीं दूसरी तरफ पंकज का परेश रावल को रिप्लेस करें। ये तो हो गई स्टोरी लाइन की बात, लेकिन हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि लोगों का अरुण गोविल यानी फेमस प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना है कि इस अपकमिंग मूवी में उनकी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण गोविल से काफी लोगों के इमोशंस और सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं जिनका फायदा डायरेक्टर जरूर उठाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस मूवी में फेम लाने की मेन वजह अरुण गोविल ही बन जाएं। उनकी ऑसम एक्टिंग और पुराने गुडविल से क्या पता ये अपकमिंग मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब बस देखना यह है कि कौन बनेगा मूवी का मेन अट्रैक्शन, अक्षय या अरुण। फिलहाल हम तो अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। आप जरूर हमें बता सकते हैं
अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना होगा। धन्यवाद। क्या लोगों को पसंद आएगा अक्षय कुमार का नया अंदाज? क्यों परेश रावल ने रिजेक्ट की फिल्म की स्क्रिप्ट? क्या पंकज त्रिपाठी ले पाएंगे परेश रावल की जगह? दोस्तों, फिल्म OMG 2 ये 2012 में आई फिल्म OMG का सीक्वल है। पिछली बार अक्षय जहां कृष्णा के अवतार में दिखाई दिए थे, वहीं इस बार अक्षय का किरदार भगवान शिव पर बेस्ड है। अक्षय की एक्टिंग पिछली फिल्म में दर्शकों द्वारा काफी सराही गई थी। अक्षय कुमार को लेकर तब लोगों ने कहा था कि भले ही वो इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाई थी। अक्षय कुमार जो पैडमैन और टॉयलेट जैसी सोशल फिल्मों को करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार भी OMG 2 से कुछ हटके करने वाले हैं। फिल्म की कहानी वही प्रीक्वल की तरह कोर्टरूम में आकर पहुंचेगी, लेकिन फर्क यही है कि इस बार राइटर अमित राज ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक में भगवान का एंगल जोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अक्षय कुमार जो इस बार भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे, वो फिल्म में अपने अंदाज और डायलॉग से कुछ ऐसी सीख दर्शकों को देने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म से अक्षय का लुक सामने आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म OMG 2 में इस बार एक्टर परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी लेने वाले हैं। सुनने में आया है कि परेश को OMG 2 की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने फिल्म को करने से ही मना कर दिया। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट कोर्ट जाकर एक पेटिशन फाइल करवाता है ताकि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी हो सके। ऐसा लगता है कि परेश रावल ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से हेजिटेट कर रहे होंगे। OMG 2 को लाने का मकसद यही है कि लोगों की मेंटालिटी को थोड़ा सा हम लोग बदल सके, उन्हें सही और गलत में फर्क बता सके। देखा जाए ना तो डायरेक्टर अमित राय ने काफी सोच समझकर परेश रावल का किरदार पंकज त्रिपाठी को सौंपा है। असल में ना दोस्तों, परेश रावल की जगह वही इंसान ले सकता है जिसके चेहरे और चाल से सिंप्लिसिटी नजर आए। OMG के वक्त परेश रावल ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, वो एक आम इंसान के किरदार को पर्दे पर बस जिंदा कर रहे थे। परेश रावल ने अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से जो दर्शकों का दिल हासिल किया था, उस स्टैंडर्ड को सिर्फ पंकज त्रिपाठी ही अचीव करने की ताकत रखते हैं। पंकज त्रिपाठी और परेश रावल में यही कॉमन फैक्टर है कि दोनों एक एक्टर होने से पहले ना एक आम इंसान है। यही कारण है कि वो दोनों एक आम इंसान की जिंदगी और उसकी दिक्कतों को पर्दे पर बारीकी से दिखा पाते हैं। दोनों एक्टर्स के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है उसमें आम इंसान की जिंदगी साफ साफ झलकती है। पंकज त्रिपाठी में वो बिहारी तजुर्बा है, वहीं परेश रावल में मराठी रुतबा है। दोनों ही एक्टर्स अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने में जरा भी पीछे नहीं है। फिल्म OMG 2 में पंकज त्रिपाठी से यही पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार लोगों को परेश रावल की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पंकज जानते हैं कि OMG के वक्त परेश रावल के परफॉर्मेंस को लोगों ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया था, बल्कि वो इसे रिस्पेक्ट भी करते आए हैं। यही कारण है कि OMG 2 में पंकज परेश की जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने अंदाज में एक अलग माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ वो और उनकी एक्टिंग को पसंद करने वाले दर्शक होंगे। क्या OMG 2 कॉन्ट्रोवर्सी की शिकार होगी? जो भी हो, हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ तो कह ही सकते हैं कि डायरेक्टर अमित राय अपनी इस फिल्म को किसी भी नेगेटिव बातों में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जब अमित राय इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो अच्छे से समझ रहे थे कि सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को गॉड का एंगल दे रहे हैं। इसके अलावा अमित राय को ये भी मालूम था कि जब कोई पहली बार किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करता है ना, तो सोसाइटी का कुछ हिस्सा यकीनन ऐसा होता है जो हथियार उठाने को हर वक्त तैयार रहता है। इसी कारण अमित ने समझदारी दिखाते हुए इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की है। वहीं ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म ऐसे वक्त पर आ रही है जहां देश भर में शिवजी की पूजा हो रही है। देखते हैं ये बात फिल्म पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ती है। देखा जाए तो जब अक्षय की फिल्म पैडमैन आई थी तो उससे पहले तक लोग पैड वर्ड को पब्लिकली यूज करने से भी घबराते थे, हेजिटेट करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद सबकी आंखें खुली है। क्या पता OMG 2 भी कोई कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो।
फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। वही मोस्ट अवेटेड फिल्म की सीक्वल ओ माई गॉड 2 अब सिनेमा घरों में होगी। वही अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, साथ ही ओ माई गॉड की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दो दोस्तों कि फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी मुख्य किरदार में है। ओ माई गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार अपनी सोशल कॉमेडी ओ माई गॉड 2 के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं। दोस्तों पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, आ रहे हैं हम, आइएगा आप भी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में। पोस्ट में अक्षय कुमार भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार की ये फिल्म OTT के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं और ये भारत में यौन शिक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। इसका निर्देशन अमित राय ने किया है, जिसमें निर्माता अश्विन बर्दे हैं और Y-Com18 और जियो स्टूडियोज भी हैं। दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार ने ओ माई गॉड 2 के बारे में बात की थी और इसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक भी बताया था। ओ माई गॉड 2 जैसी पसंदीदा चीज की फ्रेंचाइजी स्पिन करना एक जिम्मेदारी है और टीम दर्शकों की सभी अपेक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। दोस्तों इस समय पर्दे के पीछे से रिलीज की योजना पर काम किया जा रहा है और टीम इस साल बड़े पर्दे पर अपनी सामाजिक कॉमेडी लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों पिछली बार अक्षय कुमार कृष्णा के अवतार में दिखे थे, जिसमें नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा को भगवान बन समझाया था। वहीं अब शिव के रूप में तांडव करते कुछ नया संदेश समाज को देने वाले हैं। दोस्तों आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर हैं मनीषा जी। क्या अक्षय करेंगे करियर स्विच? क्या डायरेक्शन से कवर करेंगे एक्टिंग का क्रिटिसिज्म? कैसे हो रहा है अक्षय को बैक टू बैक मूवीज से नुकसान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राज स्टूडियोज में। हर साल 10 से ज्यादा मूवी बनाने वाले हमारे अक्षय अब क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करने की वजह से आ रहे हैं दिक्कत में। उनकी हाल ही की मूवीज जैसे बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और आने वाली राम सेतु को जिस टाइप की क्रिटिसिज्म ऑडियंस से मिल रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अक्षय की ये ज्यादा मैक्सिमम मूवीज करने वाली स्ट्रेटेजी हो रही है फेल। ऑल्दो आज हम उनकी उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पार्ट 1 में पास्ट में ऑडियंस को काफी पसंद आया था और शायद इसीलिए डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक बार फिर ओ माई गॉड 2 के साथ हो रहे हैं हाजिर। इस मूवी में हमें अक्षय दिखेंगे भगवान शिव के अवतार, वहीं इनके साथ साथ हमें और भी स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे अरुण गोविल, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा। अब वैसे हमें भी अक्षय के अलावा किसी और एक्टर के रोल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए लीड एक्टर अक्षय की तो ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमारे मिस्टर खिलाड़ी इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस बार कुछ ये भी बोल रहे हैं कि शायद अक्षय अपनी एक्टिंग करियर से परेशान होकर अब ले रहे हैं डायरेक्शन का सहारा। ऑल्दो अक्षय ने इससे पहले प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रखा है, लेकिन शायद इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए वो डायरेक्शन से करना चाह रहे हैं ऑडियंस को इम्प्रेस। अगर अपडेट पर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्षय को मिल रही बैक टू बैक क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपना पूरा करियर ही एज अ डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं और मे बी तब वो अपने डायरेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं लूपहोल्स जो उनकी एक्टिंग में लोगों को आज दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मूवी के बारे में मेकर्स ने कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी है, तो हमें अभी के लिए करना होगा इंतजार। साथ ही साथ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अक्षय ओ माई गॉड 2 के साथ साथ गोरखा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर ये मूवीज दिखने वाली हैं। पर फिलहाल के लिए देखना ये है कि क्या अक्षय डायरेक्टर बनकर पा पाएंगे ऑडियंस की वाहवाही। इस सवाल पर हम आपके ओपिनियन भी जरूर जानना चाहेंगे, जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता। कैसी होगी मूवी की पब्लिसिटी? कौन होगा त्रिदेव के रूप में? किसकी होगी ग्रैंड एंट्री? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं 2012 में ओ माई गॉड रिलीज हुई थी।
इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल ने मिलकर बॉलीवुड को एक मास्टरपीस दिया था और अब इसी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय का होगा लीड रोल। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार प्ले किया था, वैसे ही अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो इस अपकमिंग मूवी में करने वाले हैं भगवान शिव का कैरेक्टर। हालांकि मूवी में अक्षय के अलावा काफी और भी एक्टर्स हैं जो इस अपकमिंग मूवी को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षय के साथ साथ यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और प्रभु श्रीराम यानी अरुण गोविल भी दिखने वाले हैं। अब इस बारे में लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अपकमिंग मूवी में हमें एक नहीं तीन देवता देखने को मिल सकते हैं, यानी कि त्रिदेव, जहां हमें अक्षय एज भगवान शिव, अरुण गोविल एज भगवान विष्णु और शायद पंकज त्रिपाठी एज ब्रह्मा दिख सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि त्रिदेव के कैरेक्टर में हमें अक्षय और अरुण के साथ कोई और कैरेक्टर देखने को मिले जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया हो, और वहीं दूसरी तरफ पंकज का परेश रावल को रिप्लेस करें। ये तो हो गई स्टोरी लाइन की बात, लेकिन हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि लोगों का अरुण गोविल यानी फेमस प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना है कि इस अपकमिंग मूवी में उनकी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण गोविल से काफी लोगों के इमोशंस और सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं जिनका फायदा डायरेक्टर जरूर उठाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस मूवी में फेम लाने की मेन वजह अरुण गोविल ही बन जाएं। उनकी ऑसम एक्टिंग और पुराने गुडविल से क्या पता ये अपकमिंग मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब बस देखना यह है कि कौन बनेगा मूवी का मेन अट्रैक्शन, अक्षय या अरुण। फिलहाल हम तो अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। आप जरूर हमें बता सकते हैं अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना होगा। धन्यवाद। क्या लोगों को पसंद आएगा अक्षय कुमार का नया अंदाज? क्यों परेश रावल ने रिजेक्ट की फिल्म की स्क्रिप्ट? क्या पंकज त्रिपाठी ले पाएंगे परेश रावल की जगह? दोस्तों, फिल्म OMG 2 ये 2012 में आई फिल्म OMG का सीक्वल है। पिछली बार अक्षय जहां कृष्णा के अवतार में दिखाई दिए थे, वहीं इस बार अक्षय का किरदार भगवान शिव पर बेस्ड है। अक्षय की एक्टिंग पिछली फिल्म में दर्शकों द्वारा काफी सराही गई थी। अक्षय कुमार को लेकर तब लोगों ने कहा था कि भले ही वो इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाई थी। अक्षय कुमार जो पैडमैन और टॉयलेट जैसी सोशल फिल्मों को करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार भी OMG 2 से कुछ हटके करने वाले हैं। फिल्म की कहानी वही प्रीक्वल की तरह कोर्ट रूम में आकर पहुंचेगी, लेकिन फर्क यही है कि इस बार राइटर अमित राज ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक में भगवान का एंगल जोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अक्षय कुमार जो इस बार भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे, वो फिल्म में अपने अंदाज और डायलॉग से कुछ ऐसी सीख दर्शकों को देने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म से अक्षय का लुक सामने आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म OMG 2 में इस बार एक्टर परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी लेने वाले हैं। सुनने में आया है कि परेश को OMG 2 की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने फिल्म को करने से ही मना कर दिया। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट कोर्ट जाकर एक पेटिशन फाइल करवाता है ताकि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी हो सके। ऐसा लगता है कि परेश रावल ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से हेजिटेट कर रहे होंगे। OMG 2 को लाने का मकसद यही है कि लोगों की मेंटेलिटी को थोड़ा सा हम लोग बदल सके, उन्हें सही और गलत में फर्क बता सके। देखा जाए ना तो डायरेक्टर अमित राय ने काफी सोच समझकर परेश रावल का किरदार पंकज त्रिपाठी को सौंपा है। असल में ना दोस्तों, परेश रावल की जगह वही इंसान ले सकता है जिसके चेहरे और चाल से सिंप्लिसिटी नजर आए। OMG के वक्त परेश रावल ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, वो एक आम इंसान के किरदार को पर्दे पर बस जिंदा कर रहे थे। परेश रावल ने अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से जो दर्शकों का दिल हासिल किया था, उस स्टैंडर्ड को सिर्फ पंकज त्रिपाठी ही अचीव करने की ताकत रखते हैं। पंकज त्रिपाठी और परेश रावल में यही कॉमन फैक्टर है कि दोनों एक एक्टर होने से पहले ना एक आम इंसान है।
यही कारण है कि वो दोनों एक आम इंसान की जिंदगी और उसकी दिक्कतों को पर्दे पर बारीकी से दिखा पाते हैं। दोनों एक्टर्स के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है उसमें आम इंसान की जिंदगी साफ साफ झलकती है। पंकज त्रिपाठी में वो बिहारी तजुर्बा है, वहीं परेश रावल में मराठी रुतबा है। दोनों ही एक्टर्स अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने में जरा भी पीछे नहीं है। फिल्म OMG 2 में पंकज त्रिपाठी से यही पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार लोगों को परेश रावल की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पंकज जानते हैं कि OMG के वक्त परेश रावल के परफॉर्मेंस को लोगों ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया था बल्कि वो इसे रिस्पेक्ट भी करते आए हैं। यही कारण है कि OMG 2 में पंकज परेश की जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि वो अपने अंदाज में एक अलग माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ वो और उनकी एक्टिंग को पसंद करने वाले दर्शक होंगे। क्या OMG 2 कॉन्ट्रोवर्सी की शिकार होगी? जो भी हो, हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ तो कह ही सकते हैं कि डायरेक्टर अमित राय अपनी इस फिल्म को किसी भी नेगेटिव बातों में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जब अमित राय इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो अच्छे से समझ रहे थे कि सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को गॉड का एंगल दे रहे हैं। इसके अलावा अमित राय को ये भी मालूम था कि जब कोई पहली बार किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करता है ना, तो सोसाइटी का कुछ हिस्सा यकीनन ऐसा होता है जो हथियार उठाने को हर वक्त तैयार रहता है। इसी कारण अमित ने समझदारी दिखाते हुए इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की है। वहीं ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म ऐसे वक्त पर आ रही है जहां देश भर में शिवजी की पूजा हो रही है। देखते हैं ये बात फिल्म पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ती है। देखा जाए तो जब अक्षय की फिल्म पैडमैन आई थी तो उससे पहले तक लोग पैड वर्ड को पब्लिकली यूज करने से भी घबराते थे, हेजिटेट करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद सबकी आंखें खुली है। क्या पता OMG 2 भी कोई कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो। फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। वही मोस्ट अवेटेड फिल्म की सीक्वल ओ माई गॉड 2 अब सिनेमा घरों में होगी। वही अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, साथ ही ओ माय गॉड की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दो दोस्तों कि फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी मुख्य किरदार में हैं। ओ माय गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार अपनी सोशल कॉमेडी ओ माय गॉड 2 के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं। दोस्तों पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, आ रहे हैं हम, आइएगा आप भी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में। पोस्ट में अक्षय कुमार भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार की फिल्म OTT के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं और ये भारत में यौन शिक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। इसका निर्देशन अमित राय ने किया है, जिसमें निर्माता अश्विन बर्दे हैं और Y-Com 18 और जियो स्टूडियोज भी हैं। दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार ने ओ माय गॉड 2 के बारे में बात की थी और इसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक भी बताया था। ओ माय गॉड 2 जैसी पसंदीदा चीज की फ्रेंचाइजी स्पिन करना एक जिम्मेदारी है और टीम दर्शकों की सभी अपेक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। दोस्तों इस समय पर्दे के पीछे से रिलीज की योजना पर काम किया जा रहा है और टीम इस साल बड़े पर्दे पर अपनी सामाजिक कॉमेडी लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों पिछली बार अक्षय कुमार कृष्णा के अवतार में दिखे थे, जिसमें नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा को भगवान बन समझाया था। वहीं अब शिव के रूप में तांडव करते कुछ नया संदेश समाज को देने वाले हैं। दोस्तों आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जी। क्या अक्षय करेंगे करियर स्विच? क्या डायरेक्शन से कवर करेंगे एक्टिंग का क्रिटिसिज्म? कैसे हो रहा है अक्षय को बैक टू बैक मूवीज से नुकसान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। हर साल 10 से ज्यादा मूवी बनाने वाले हमारे अक्षय अब क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करने की वजह से आ रहे हैं दिक्कत में। उनकी हाल ही की मूवीज जैसे बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और आने वाली राम सेतु को जिस टाइप की क्रिटिसिज्म ऑडियंस से मिल रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अक्षय की ये ज्यादा मैक्सिमम मूवीज करने वाली स्ट्रेटेजी हो रही है फेल। ऑल्दो आज हम उनकी उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पार्ट 1 में पास्ट में ऑडियंस को काफी पसंद आया था और शायद इसीलिए डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक बार फिर ओ माय गॉड 2 के साथ हो रहे हैं हाजिर।
इस मूवी में हमें अक्षय दिखेंगे भगवान शिव के अवतार, वहीं इनके साथ साथ हमें और भी स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे अरुण गोविल, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा। अब वैसे हमें भी अक्षय के अलावा किसी और एक्टर के रोल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए लीड एक्टर अक्षय की तो ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमारे मिस्टर खिलाड़ी इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस बार कुछ ये भी बोल रहे हैं कि शायद अक्षय अपनी एक्टिंग करियर से परेशान होकर अब ले रहे हैं डायरेक्शन का सहारा। ऑल्दो अक्षय ने इससे पहले प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रखा है, लेकिन शायद इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए वो डायरेक्शन से करना चाह रहे हैं ऑडियंस को इम्प्रेस। अगर अपडेट पर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्षय को मिल रही बैक टू बैक क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपना पूरा करियर ही एज अ डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं, और मे बी तब वो अपने डायरेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं लूपहोल्स जो उनकी एक्टिंग में लोगों को आज दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मूवी के बारे में मेकर्स ने कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी है, तो हमें अभी के लिए करना होगा इंतजार। साथ ही साथ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अक्षय ओ माई गॉड 2 के साथ साथ गोरखा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे हैं, और जल्दी ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर ये मूवीज दिखने वाली हैं। पर फिलहाल के लिए देखना ये है कि क्या अक्षय डायरेक्टर बनकर पा पाएंगे ऑडियंस की वाहवाही। इस सवाल पर हम आपके ओपिनियन भी जरूर जानना चाहेंगे, जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता। कैसी होगी मूवी की पब्लिसिटी, कौन होगा त्रिदेव के रूप में, किसकी होगी ग्रैंड एंट्री। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं 2012 में ओ माई गॉड रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल ने मिलकर बॉलीवुड को एक मास्टरपीस दिया था, और अब इसी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय का होगा लीड रोल। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार प्ले किया था, वैसे ही अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो इस अपकमिंग मूवी में करने वाले हैं भगवान शिव का कैरेक्टर। हालांकि मूवी में अक्षय के अलावा काफी और भी एक्टर्स हैं जो इस अपकमिंग मूवी को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षय के साथ साथ यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और प्रभु श्रीराम यानी अरुण गोविल भी दिखने वाले हैं। अब इस बारे में लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अपकमिंग मूवी में हमें एक नहीं तीन देवता देखने को मिल सकते हैं, यानी कि त्रिदेव, जहां हमें अक्षय एज भगवान शिव, अरुण गोविल एज भगवान विष्णु और शायद पंकज त्रिपाठी एज ब्रह्मा दिख सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि त्रिदेव के कैरेक्टर में हमें अक्षय और अरुण के साथ कोई और कैरेक्टर देखने को मिले जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया हो, और वहीं दूसरी तरफ पंकज का परेश रावल को रिप्लेस करें। ये तो हो गई स्टोरी लाइन की बात, लेकिन हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि लोगों का अरुण गोविल यानी फेमस प्रभु श्रीराम के बारे में ये कहना है कि इस अपकमिंग मूवी में उनकी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण गोविल से काफी लोगों के इमोशंस और सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं जिनका फायदा डायरेक्टर जरूर उठाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस मूवी में फेम लाने की मेन वजह अरुण गोविल ही बन जाएं। उनकी ऑसम एक्टिंग और पुराने गुडविल से क्या पता ये अपकमिंग मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब बस देखना ये है कि कौन बनेगा मूवी का मेन अट्रैक्शन, अक्षय या अरुण। फिलहाल हम तो अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं, आप जरूर हमें बता सकते हैं अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो, और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना होगा। धन्यवाद। क्या लोगों को पसंद आएगा अक्षय कुमार का नया अंदाज? क्यों परेश रावल ने रिजेक्ट की फिल्म की स्क्रिप्ट? क्या पंकज त्रिपाठी ले पाएंगे परेश रावल की जगह? दोस्तों, फिल्म OMG 2 ये 2012 में आई फिल्म OMG का सीक्वल है। पिछली बार अक्षय जहां कृष्णा के अवतार में दिखाई दिए थे, वहीं इस बार अक्षय का किरदार भगवान शिव पर बेस्ड है। अक्षय की एक्टिंग पिछली फिल्म में दर्शकों द्वारा काफी सराही गई थी। अक्षय कुमार को लेकर तब लोगों ने कहा था कि भले ही वो इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाई थी। अक्षय कुमार जो पैडमैन और टॉयलेट जैसी सोशल फिल्मों को करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार भी OMG 2 से कुछ हटके करने वाले हैं।
फिल्म की कहानी वही प्रीक्वल की तरह कोर्ट रूम में आकर पहुंचेगी, लेकिन फर्क यही है कि इस बार राइटर अमित राज ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक में भगवान का एंगल जोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अक्षय कुमार जो इस बार भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे, वो फिल्म में अपने अंदाज और डायलॉग से कुछ ऐसी सीख दर्शकों को देने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म से अक्षय का लुक सामने आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म OMG 2 में इस बार एक्टर परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी लेने वाले हैं। सुनने में आया है कि परेश को OMG 2 की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने फिल्म को करने से ही मना कर दिया। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट कोर्ट जाकर एक पेटिशन फाइल करवाता है ताकि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी हो सके। ऐसा लगता है कि परेश रावल ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से हेजिटेट कर रहे होंगे। OMG 2 को लाने का मकसद यही है कि लोगों की मेंटेलिटी को थोड़ा सा हम लोग बदल सके, उन्हें सही और गलत में फर्क बता सके। देखा जाए ना तो डायरेक्टर अमित राय ने काफी सोच समझकर परेश रावल का किरदार पंकज त्रिपाठी को सौंपा है। असल में ना दोस्तों, परेश रावल की जगह वही इंसान ले सकता है जिसके चेहरे और चाल से सिंप्लिसिटी नजर आए। OMG के वक्त परेश रावल ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, वो एक आम इंसान के किरदार को पर्दे पर बस जिंदा कर रहे थे। परेश रावल ने अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से जो दर्शकों का दिल हासिल किया था, उस स्टैंडर्ड को सिर्फ पंकज त्रिपाठी ही अचीव करने की ताकत रखते हैं। पंकज त्रिपाठी और परेश रावल में यही कॉमन फैक्टर है कि दोनों एक एक्टर होने से पहले ना एक आम इंसान है। यही कारण है कि वो दोनों एक आम इंसान की जिंदगी और उसकी दिक्कतों को पर्दे पर बारीकी से दिखा पाते हैं। दोनों एक्टर्स के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है उसमें आम इंसान की जिंदगी साफ साफ झलकती है। पंकज त्रिपाठी में वो बिहारी तजुर्बा है, वहीं परेश रावल में मराठी रुतबा है। दोनों ही एक्टर्स अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने में जरा भी पीछे नहीं है। फिल्म OMG 2 में पंकज त्रिपाठी से यही पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार लोगों को परेश रावल की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पंकज जानते हैं कि OMG के वक्त परेश रावल के परफॉर्मेंस को लोगों ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया था बल्कि वो इसे रिस्पेक्ट भी करते आए हैं। यही कारण है कि OMG 2 में पंकज परेश की जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि वो अपने अंदाज में एक अलग माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ वो और उनकी एक्टिंग को पसंद करने वाले दर्शक होंगे। क्या OMG 2 कॉन्ट्रोवर्सी की शिकार होगी? जो भी हो, हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ तो कह ही सकते हैं कि डायरेक्टर अमित राय अपनी इस फिल्म को किसी भी नेगेटिव बातों में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जब अमित राय इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो अच्छे से समझ रहे थे कि सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को गॉड का एंगल दे रहे हैं। इसके अलावा अमित राय को ये भी मालूम था कि जब कोई पहली बार किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करता है ना, तो सोसाइटी का कुछ हिस्सा यकीनन ऐसा होता है जो हथियार उठाने को हर वक्त तैयार रहता है। इसी कारण अमित ने समझदारी दिखाते हुए इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की है। वहीं ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म ऐसे वक्त पर आ रही है जहां देश भर में शिवजी की पूजा हो रही है। देखते हैं ये बात फिल्म पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ती है। देखा जाए तो जब अक्षय की फिल्म पैडमैन आई थी तो उससे पहले तक लोग पैड वर्ड को पब्लिकली यूज करने से भी घबराते थे, हेजिटेट करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद सबकी आंखें खुली है। क्या पता OMG 2 भी कोई कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो। फिलहाल दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। वही मोस्ट अवेटेड फिल्म की सीक्वल ओ माय गॉड 2 अब सिनेमा घरों में होगी। वही अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, साथ ही ओ माय गॉड की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दो दोस्तों कि फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी मुख्य किरदार में हैं। ओ माय गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार अपनी सोशल कॉमेडी ओ माय गॉड 2 के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं। दोस्तों, पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, आ रहे हैं हम, आइएगा आप भी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में। पोस्ट में अक्षय कुमार भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रही हैं। दोस्तों, पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार की फिल्म OTT के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं और ये भारत में यौन शिक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। इसका निर्देशन अमित राय ने किया है, जिसमें निर्माता अश्विन वर्दे हैं और वाईकॉम 18 और जियो स्टूडियोज भी हैं। दोस्तों, हाल ही में अक्षय कुमार ने ओ माई गॉड 2 के बारे में बात की थी और इसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक भी बताया था। ओ माई गॉड 2 जैसी पसंदीदा चीज की फ्रेंचाइजी स्पिन करना एक जिम्मेदारी है और टीम दर्शकों की सभी अपेक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। दोस्तों, इस समय पर्दे के पीछे से रिलीज की योजना पर काम किया जा रहा है और टीम इस साल बड़े पर्दे पर अपनी सामाजिक कॉमेडी लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, पिछली बार अक्षय कुमार कृष्णा के अवतार में दिखे थे, जिसमें नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा को भगवान बन समझाया था। वहीं अब शिव के रूप में तांडव करते कुछ नया संदेश समाज को देने वाले हैं। दोस्तों, आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जी। क्या अक्षय करेंगे करियर स्विच? क्या डायरेक्शन से कवर करेंगे एक्टिंग का क्रिटिसिज्म? कैसे हो रहा है अक्षय को बैक टू बैक मूवीज से नुकसान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हर साल 10 से ज्यादा मूवी बनाने वाले हमारे अक्षय अब क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करने की वजह से आ रहे हैं दिक्कत में। उनकी हाल ही की मूवीज जैसे बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और आने वाली राम सेतु को जिस टाइप की क्रिटिसिज्म ऑडियंस से मिल रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अक्षय की ये ज्यादा मैक्सिमम मूवीज करने वाली स्ट्रेटेजी हो रही है फेल। ऑल्दो आज हम उनकी उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पार्ट वन में पास्ट में ऑडियंस को काफी पसंद आया था और शायद इसीलिए डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक बार फिर ओ माई गॉड 2 के साथ हो रहे हैं हाजिर। इस मूवी में हमें अक्षय दिखेंगे भगवान शिव के अवतार, वहीं इनके साथ साथ हमें और भी स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे अरुण गोविल, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा। अब वैसे हमें भी अक्षय के अलावा किसी और एक्टर के रोल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए लीड एक्टर अक्षय की तो ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमारे मिस्टर खिलाड़ी इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्शन करते हुए नजर आएं। जी हाँ, इस बार कुछ ये भी बोल रहे हैं कि शायद अक्षय अपनी एक्टिंग करियर से परेशान होकर अब ले रहे हैं डायरेक्शन का सहारा। ऑल्दो अक्षय ने इससे पहले प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रखा है, लेकिन शायद इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए वो डायरेक्शन से करना चाह रहे हैं ऑडियंस को इम्प्रेस। अगर अपडेट पर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्षय को मिल रही बैक टू बैक क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपना पूरा करियर ही एज अ डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं और मे बी तब वो अपने डायरेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं लूपहोल्स जो उनकी एक्टिंग में लोगों को आज दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मूवी के बारे में मेकर्स ने कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी है, तो हमें अभी के लिए करना होगा इंतजार। साथ ही साथ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अक्षय ओ माई गॉड 2 के साथ साथ गोरखा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर ये मूवीज दिखने वाली हैं। पर फिलहाल के लिए देखना ये है कि क्या अक्षय डायरेक्टर बनकर पा पाएंगे ऑडियंस की वाहवाही। इस सवाल पर हम आपके ओपिनियन भी जरूर जानना चाहेंगे, जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता। कैसी होगी मूवी की पब्लिसिटी? कौन होगा त्रिदेव के रूप में? किसकी होगी ग्रैंड एंट्री? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं 2012 में ओ माई गॉड रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल ने मिलकर बॉलीवुड को एक मास्टरपीस दिया था और अब इसी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय का होगा लीड रोल। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार प्ले किया था, वैसे ही अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो इस अपकमिंग मूवी में करने वाले हैं भगवान शिव का कैरेक्टर। हालांकि मूवी में अक्षय के अलावा काफी और भी एक्टर्स हैं जो इस अपकमिंग मूवी को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षय के साथ साथ यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और प्रभु श्रीराम यानी अरुण गोविल भी दिखने वाले हैं। अब इस बारे में लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अपकमिंग मूवी में हमें एक नहीं तीन देवता देखने को मिल सकते हैं, यानी कि त्रिदेव, जहां हमें अक्षय एज भगवान शिव, अरुण गोविल एज भगवान विष्णु और शायद पंकज त्रिपाठी एज ब्रह्मा दिख सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि त्रिदेव के कैरेक्टर में हमें अक्षय और अरुण के साथ कोई और कैरेक्टर देखने को मिले जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया हो
और वहीं दूसरी तरफ पंकज का परेश रावल को रिप्लेस करें। ये तो हो गई स्टोरी लाइन की बात, लेकिन हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि लोगों का अरुण गोविल यानी फेमस प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना है कि इस अपकमिंग मूवी में उनकी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण गोविल से काफी लोगों के इमोशंस और सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिनका फायदा डायरेक्टर जरूर उठाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस मूवी में फेम लाने की मेन वजह अरुण गोविल ही बन जाएं। उनकी ऑसम एक्टिंग और पुराने गुडविल से क्या पता ये अपकमिंग मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब बस देखना यह है कि कौन बनेगा मूवी का मेन अट्रैक्शन, अक्षय या अरुण। फिलहाल हम तो अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। आप जरूर हमें बता सकते हैं अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना होगा। धन्यवाद। क्या लोगों को पसंद आएगा अक्षय कुमार का नया अंदाज? क्यों परेश रावल ने रिजेक्ट की फिल्म की स्क्रिप्ट? क्या पंकज त्रिपाठी ले पाएंगे परेश रावल की जगह? दोस्तों, फिल्म OMG 2 ये 2012 में आई फिल्म OMG का सीक्वल है। पिछली बार अक्षय जहां कृष्णा के अवतार में दिखाई दिए थे, वहीं इस बार अक्षय का किरदार भगवान शिव पर बेस्ड है। अक्षय की एक्टिंग पिछली फिल्म में दर्शकों द्वारा काफी सराही गई थी। अक्षय कुमार को लेकर तब लोगों ने कहा था कि भले ही वो इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाई थी। अक्षय कुमार जो पैडमैन और टॉयलेट जैसी सोशल फिल्मों को करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार भी OMG 2 से कुछ हटके करने वाले हैं। फिल्म की कहानी वही प्रीक्वल की तरह कोर्ट रूम में आकर पहुंचेगी, लेकिन फर्क यही है कि इस बार राइटर अमित राज ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक में भगवान का एंगल जोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अक्षय कुमार जो इस बार भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे, वो फिल्म में अपने अंदाज और डायलॉग से कुछ ऐसी सीख दर्शकों को देने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म से अक्षय का लुक सामने आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म OMG 2 में इस बार एक्टर परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी लेने वाले हैं। सुनने में आया है कि परेश को OMG 2 की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने फिल्म को करने से ही मना कर दिया। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट कोर्ट जाकर एक पेटिशन फाइल करवाता है ताकि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी हो सके। ऐसा लगता है कि परेश रावल ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से हेजिटेट कर रहे होंगे। OMG 2 को लाने का मकसद यही है कि लोगों की मेंटालिटी को थोड़ा सा हम लोग बदल सके, उन्हें सही और गलत में फर्क बता सके। देखा जाए ना तो डायरेक्टर अमित राय ने काफी सोच समझकर परेश रावल का किरदार पंकज त्रिपाठी को सौंपा है। असल में ना दोस्तों, परेश रावल की जगह वही इंसान ले सकता है जिसके चेहरे और चाल से सिंप्लिसिटी नजर आए। OMG के वक्त परेश रावल ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, वो एक आम इंसान के किरदार को पर्दे पर बस जिंदा कर रहे थे। परेश रावल ने अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से जो दर्शकों का दिल हासिल किया था, उस स्टैंडर्ड को सिर्फ पंकज त्रिपाठी ही अचीव करने की ताकत रखते हैं। पंकज त्रिपाठी और परेश रावल में यही कॉमन फैक्टर है कि दोनों एक एक्टर होने से पहले ना एक आम इंसान है। यही कारण है कि वो दोनों एक आम इंसान की जिंदगी और उसकी दिक्कतों को पर्दे पर बारीकी से दिखा पाते हैं। दोनों एक्टर्स के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है उसमें आम इंसान की जिंदगी साफ साफ झलकती है। पंकज त्रिपाठी में वो बिहारी तजुर्बा है, वहीं परेश रावल में मराठी रुतबा है। दोनों ही एक्टर्स अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने में जरा भी पीछे नहीं है। फिल्म OMG 2 में पंकज त्रिपाठी से यही पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार लोगों को परेश रावल की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पंकज जानते हैं कि OMG के वक्त परेश रावल के परफॉर्मेंस को लोगों ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया था, बल्कि वो इसे रिस्पेक्ट भी करते आए हैं। यही कारण है कि OMG 2 में पंकज परेश की जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने अंदाज में एक अलग माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ वो और उनकी एक्टिंग को पसंद करने वाले दर्शक होंगे। क्या OMG 2 कॉन्ट्रोवर्सी की शिकार होगी? जो भी हो, हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ तो कह ही सकते हैं कि डायरेक्टर अमित राय अपने इस फिल्म को किसी भी नेगेटिव बातों में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जब अमित राय इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो अच्छे से समझ रहे थे कि
सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को गॉड का एंगल दे रहे हैं। इसके अलावा अमित राय को यह भी मालूम था कि जब कोई पहली बार किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करता है ना, तो सोसाइटी का कुछ हिस्सा यकीनन ऐसा होता है जो हथियार उठाने को हर वक्त तैयार रहता है। इसी कारण अमित ने समझदारी दिखाते हुए इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की है। वहीं ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म ऐसे वक्त पर आ रही है जहां देश भर में शिव जी की पूजा हो रही है। देखते हैं ये बात फिल्म पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ती है। देखा जाए तो जब अक्षय की फिल्म पैडमैन आई थी तो उससे पहले तक लोग पैड वर्ड को पब्लिकली यूज करने से भी घबराते थे, हेजिटेट करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद सबकी आंखें खुली है। क्या पता OMG2 भी कोई कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो। फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। वही मोस्ट अवेटेड फिल्म के सीक्वल ओ माई गॉड 2 अब सिनेमा घरों में होगी। वही अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, साथ ही ओ माई गॉड की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दो दोस्तों कि फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी मुख्य किरदार में हैं। ओ माई गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार अपनी सोशल कॉमेडी ओ माई गॉड 2 के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं। दोस्तों पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, आ रहे हैं हम, आइएगा आप भी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में। पोस्ट में अक्षय कुमार भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रही हैं। दोस्तों पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार की फिल्म OTT के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं और ये भारत में यौन शिक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। इसका निर्देशन अमित राय ने किया है, जिसमें निर्माता अश्विन बर्दे हैं और Y-Com18 और जियो स्टूडियोज भी हैं। दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार ने ओ माई गॉड 2 के बारे में बात की थी और इसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक भी बताया था। ओ माई गॉड 2 जैसी पसंदीदा चीज की फ्रेंचाइजी स्पिन करना एक जिम्मेदारी है और टीम दर्शकों की सभी अपेक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। दोस्तों इस समय पर्दे के पीछे से रिलीज की योजना पर काम किया जा रहा है और टीम इस साल बड़े पर्दे पर अपनी सामाजिक कॉमेडी लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों पिछली बार अक्षय कुमार कृष्णा के अवतार में दिखे थे, जिसमें नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा को भगवान बन समझाया था। वहीं अब शिव के रूप में तांडव करते कुछ नया संदेश समाज को देने वाले हैं। दोस्तों आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जी। क्या अक्षय करेंगे करियर स्विच? क्या डायरेक्शन से कवर करेंगे एक्टिंग का क्रिटिसिज्म? कैसे हो रहा है अक्षय को बैक टू बैक मूवीज से नुकसान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। हर साल 10 से ज्यादा मूवी बनाने वाले हमारे अक्षय अब क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करने की वजह से आ रहे हैं दिक्कत में। उनकी हाल ही की मूवीज जैसे बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और आने वाली राम सेतु को जिस टाइप की क्रिटिसिज्म ऑडियंस से मिल रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अक्षय की ये ज्यादा मैक्सिमम मूवीज करने वाली स्ट्रेटेजी हो रही है फेल। ऑल्दो आज हम उनकी उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पार्ट 1 में पास्ट में ऑडियंस को काफी पसंद आया था और शायद इसीलिए डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक बार फिर ओ माई गॉड 2 के साथ हो रहे हैं हाजिर। इस मूवी में हमें अक्षय दिखेंगे भगवान शिव के अवतार। वहीं इनके साथ साथ हमें और भी स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे अरुण गोविल, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा। अब वैसे हमें भी अक्षय के अलावा किसी और एक्टर के रोल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए लीड एक्टर अक्षय की तो ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमारे मिस्टर खिलाड़ी इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्शन करते हुए नजर आएं। जी हाँ, इस बार कुछ ये भी बोल रहे हैं कि शायद अक्षय अपनी एक्टिंग करियर से परेशान होकर अब ले रहे हैं डायरेक्शन का सहारा। ऑल्दो अक्षय ने इससे पहले प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रखा है, लेकिन शायद इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए वो डायरेक्शन से करना चाह रहे हैं ऑडियंस को इम्प्रेस। अगर अपडेट पर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्षय को मिल रही बैक टू बैक क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपना पूरा करियर ही एज अ डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं और मे बी तब वो अपने डायरेक्शन के थ्रू
कवर कर सकते हैं लूप होल्स जो उनकी एक्टिंग में लोगों को आज दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मूवी के बारे में मेकर्स ने कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी है, तो हमें अभी के लिए करना होगा इंतजार। साथ ही साथ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अक्षय ओ माय गॉड 2 के साथ साथ गोरखा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर ये मूवीज दिखने वाली हैं। पर फिलहाल के लिए देखना ये है कि क्या अक्षय डायरेक्टर बनकर पा पाएंगे ऑडियंस की वाहवाही। इस सवाल पर हम आपके ओपिनियन भी जरूर जानना चाहेंगे, जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता। कैसी होगी मूवी की पब्लिसिटी, कौन होगा त्रिदेव के रूप में, किसकी होगी ग्रैंड एंट्री। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं 2012 में ओ माय गॉड रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल ने मिलकर बॉलीवुड को एक मास्टरपीस दिया था और अब इसी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय का होगा लीड रोल। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार प्ले किया था, वैसे ही अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो इस अपकमिंग मूवी में करने वाले हैं भगवान शिव का कैरेक्टर। हालांकि मूवी में अक्षय के अलावा काफी और भी एक्टर्स हैं जो इस अपकमिंग मूवी को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षय के साथ साथ यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और प्रभु श्रीराम यानी अरुण गोविल भी दिखने वाले हैं। अब इस बारे में लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अपकमिंग मूवी में हमें एक नहीं तीन देवता देखने को मिल सकते हैं, यानी कि त्रिदेव, जहां हमें अक्षय एज भगवान शिव, अरुण गोविल एज भगवान विष्णु और शायद पंकज त्रिपाठी एज ब्रह्मा दिख सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि त्रिदेव के कैरेक्टर में हमें अक्षय और अरुण के साथ कोई और कैरेक्टर देखने को मिले जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया हो, और वहीं दूसरी तरफ पंकज का परेश रावल को रिप्लेस करें। ये तो हो गई स्टोरी लाइन की बात, लेकिन हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि लोगों का अरुण गोविल यानी फेमस प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना है कि इस अपकमिंग मूवी में उनकी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण गोविल से काफी लोगों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं जिनका फायदा डायरेक्टर जरूर उठाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस मूवी में फेम लाने की मेन वजह अरुण गोविल ही बन जाएं। उनकी ऑसम एक्टिंग और पुराने गुडविल से क्या पता ये अपकमिंग मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब बस देखना ये है कि कौन बनेगा मूवी का मेन अट्रैक्शन, अक्षय या अरुण। फिलहाल हम तो अभी इस बारे में कुछ कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। आप जरूर हमें बता सकते हैं अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना होगा। धन्यवाद। क्या लोगों को पसंद आएगा अक्षय कुमार का नया अंदाज? क्यों परेश रावल ने रिजेक्ट की फिल्म की स्क्रिप्ट? क्या पंकज त्रिपाठी ले पाएंगे परेश रावल की जगह? दोस्तों, फिल्म OMG 2 ये 2012 में आई फिल्म OMG का सीक्वल है। पिछली बार अक्षय जहां कृष्णा के अवतार में दिखाई दिए थे, वहीं इस बार अक्षय का किरदार भगवान शिव पर बेस्ड है। अक्षय की एक्टिंग पिछली फिल्म में दर्शकों द्वारा काफी सराही गई थी। अक्षय कुमार को लेकर तब लोगों ने कहा था कि भले ही वो इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाई थी। अक्षय कुमार जो पैडमैन और टॉयलेट जैसी सोशल फिल्मों को करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार भी OMG 2 से कुछ हटके करने वाले हैं। फिल्म की कहानी वही प्रीक्वल की तरह कोर्ट रूम में आकर पहुंचेगी, लेकिन फर्क यही है कि इस बार राइटर अमित राज ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक में भगवान का एंगल जोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अक्षय कुमार जो इस बार भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे, वो फिल्म में अपने अंदाज और डायलॉग से कुछ ऐसी सीख दर्शकों को देने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म से अक्षय का लुक सामने आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म OMG 2 में इस बार एक्टर परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी लेने वाले हैं। सुनने में आया है कि परेश को OMG 2 की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने फिल्म को करने से ही मना कर दिया। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट कोर्ट जाकर एक पेटिशन फाइल करवाता है ताकि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी हो सके। ऐसा लगता है कि परेश रावल ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से हेजिटेट कर रहे होंगे। OMG 2 को लाने का मकसद
यही है कि लोगों की मेंटेलिटी को थोड़ा सा हम लोग बदल सके, उन्हें सही और गलत में फर्क बता सके। देखा जाए ना तो डायरेक्टर अमित राय ने काफी सोच समझकर परेश रावल का किरदार पंकज त्रिपाठी को सौंपा है। असल में ना दोस्तों, परेश रावल की जगह वही इंसान ले सकता है जिसके चेहरे और चाल से सिंप्लिसिटी नजर आए। OMG के वक्त परेश रावल ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, वो एक आम इंसान के किरदार को पर्दे पर बस जिंदा कर रहे थे। परेश रावल ने अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से जो दर्शकों का दिल हासिल किया था, उस स्टैंडर्ड को सिर्फ पंकज त्रिपाठी ही अचीव करने की ताकत रखते हैं। पंकज त्रिपाठी और परेश रावल में यही कॉमन फैक्टर है कि दोनों एक एक्टर होने से पहले ना एक आम इंसान है। यही कारण है कि वो दोनों एक आम इंसान की जिंदगी और उसकी दिक्कतों को पर्दे पर बारीकी से दिखा पाते हैं। दोनों एक्टर्स के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है उसमें आम इंसान की जिंदगी साफ साफ झलकती है। पंकज त्रिपाठी में वो बिहारी तजुर्बा है, वहीं परेश रावल में मराठी रुतबा है। दोनों ही एक्टर्स अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने में जरा भी पीछे नहीं है। फिल्म OMG 2 में पंकज त्रिपाठी से यही पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार लोगों को परेश रावल की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पंकज जानते हैं कि OMG के वक्त परेश रावल के परफॉर्मेंस को लोगों ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया था बल्कि वो इसे रिस्पेक्ट भी करते आए हैं। यही कारण है कि OMG 2 में पंकज परेश की जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि वो अपने अंदाज में एक अलग माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ वो और उनकी एक्टिंग को पसंद करने वाले दर्शक होंगे। क्या OMG 2 कॉन्ट्रोवर्सी की शिकार होगी? जो भी हो, हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ तो कह ही सकते हैं कि डायरेक्टर अमित राय अपनी इस फिल्म को किसी भी नेगेटिव बातों में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जब अमित राय इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो अच्छे से समझ रहे थे कि सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को गॉड का एंगल दे रहे हैं। इसके अलावा अमित राय को ये भी मालूम था कि जब कोई पहली बार किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करता है ना तो सोसाइटी का कुछ हिस्सा यकीनन ऐसा होता है जो हथियार उठाने को हर वक्त तैयार रहता है। इसी कारण अमित ने समझदारी दिखाते हुए इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की है। वहीं ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म ऐसे वक्त पर आ रही है जहां देश भर में शिवजी की पूजा हो रही है। देखते हैं ये बात फिल्म पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ती है। देखा जाए तो जब अक्षय की फिल्म पैडमैन आई थी तो उससे पहले तक लोग पैड वर्ड को पब्लिकली यूज करने से भी घबराते थे, हेजिटेट करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद सबकी आंखें खुली है। क्या पता OMG 2 भी कोई कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो। फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। वही मोस्ट अवेटेड फिल्म की सीक्वल ओ माई गॉड 2 अब सिनेमा घरों में होगी। वही अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, साथ ही ओ माई गॉड की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दो दोस्तों कि फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी मुख्य किरदार में हैं। ओ माई गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार अपनी सोशल कॉमेडी ओ माई गॉड 2 के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं। दोस्तों पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, आ रहे हैं हम, आइएगा आप भी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में। पोस्ट में अक्षय कुमार भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार की ये फिल्म OTT के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं और ये भारत में यौन शिक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। इसका निर्देशन अमित राय ने किया है जिसमें निर्माता अश्विन बर्दे हैं और Y-Com18 और जियो स्टूडियोज भी हैं। दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार ने ओ माई गॉड 2 के बारे में बात की थी और इसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक भी बताया था। ओ माई गॉड 2 जैसी पसंदीदा चीज की फ्रेंचाइजी स्पिन करना एक जिम्मेदारी है और टीम दर्शकों की सभी अपेक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। दोस्तों इस समय पर्दे के पीछे से रिलीज की योजना पर काम किया जा रहा है और टीम इस साल बड़े पर्दे पर अपनी सामाजिक कॉमेडी लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों पिछली बार अक्षय कुमार कृष्णा के अवतार में दिखे थे जिसमें नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा को भगवान बन समझाया था। वहीं अब शिव के रूप में तांडव करते कुछ नया संदेश समाज को देने वाले हैं। दोस्तों आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जी। क्या अक्षय करेंगे करियर स्विच? क्या डायरेक्शन से कवर करेंगे एक्टिंग का क्रिटिसिज्म? कैसे हो रहा है अक्षय को बैक टू बैक मूवीज से नुकसान?
हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हर साल 10 से ज्यादा मूवी बनाने वाले हमारे अक्षय अब क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करने की वजह से आ रहे हैं दिक्कत में। उनकी हाल ही की मूवीज जैसे बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और आने वाली राम सेतु को जिस टाइप की क्रिटिसिज्म ऑडियंस से मिल रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अक्षय की ये ज्यादा मैक्सिमम मूवीज करने वाली स्ट्रेटेजी हो रही है फेल। ऑल्दो आज हम उनकी उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पार्ट वन में पास्ट में ऑडियंस को काफी पसंद आया था और शायद इसीलिए डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक बार फिर ओ माय गॉड 2 के साथ हो रहे हैं हाजिर। इस मूवी में हमें अक्षय दिखेंगे भगवान शिव के अवतार, वहीं इनके साथ साथ हमें और भी स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे अरुण गोविल, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा। अब वैसे हमें भी अक्षय के अलावा किसी और एक्टर के रोल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए लीड एक्टर अक्षय की तो ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमारे मिस्टर खिलाड़ी इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस बार कुछ ये भी बोल रहे हैं कि शायद अक्षय अपनी एक्टिंग करियर से परेशान होकर अब ले रहे हैं डायरेक्शन का सहारा। ऑल्दो अक्षय ने इससे पहले प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रखा है, लेकिन शायद इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए वो डायरेक्शन से करना चाह रहे हैं ऑडियंस को इम्प्रेस। अगर अपडेट पर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्षय को मिल रही बैक टू बैक क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपना पूरा करियर ही एज अ डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं और मे बी तब वो अपने डायरेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं लूपहोल्स जो उनकी एक्टिंग में लोगों को आज दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मूवी के बारे में मेकर्स ने कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी है, तो हमें अभी के लिए करना होगा इंतजार। साथ ही साथ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अक्षय ओ माय गॉड 2 के साथ साथ गोरखा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर ये मूवीज दिखने वाली हैं। पर फिलहाल के लिए देखना ये है कि क्या अक्षय डायरेक्टर बनकर पा पाएंगे ऑडियंस की वाहवाही। इस सवाल पर हम आपके ओपिनियन भी जरूर जानना चाहेंगे, जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता। कैसी होगी मूवी की पब्लिसिटी, कौन होगा त्रिदेव के रूप में, किसकी होगी ग्रैंड एंट्री। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं 2012 में ओ माई गॉड रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल ने मिलकर बॉलीवुड को एक मास्टरपीस दिया था और अब इसी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय का होगा लीड रोल। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार प्ले किया था, वैसे ही अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो इस अपकमिंग मूवी में करने वाले हैं भगवान शिव का कैरेक्टर। हालांकि मूवी में अक्षय के अलावा काफी और भी एक्टर्स हैं जो इस अपकमिंग मूवी को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षय के साथ साथ यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और प्रभु श्रीराम यानी अरुण गोविल भी दिखने वाले हैं। अब इस बारे में लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अपकमिंग मूवी में हमें एक नहीं तीन देवता देखने को मिल सकते हैं, यानी कि त्रिदेव, जहां हमें अक्षय एज भगवान शिव, अरुण गोविल एज भगवान विष्णु और शायद पंकज त्रिपाठी एज ब्रह्मा दिख सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि त्रिदेव के कैरेक्टर में हमें अक्षय और अरुण के साथ कोई और कैरेक्टर देखने को मिले जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया हो, और वहीं दूसरी तरफ पंकज का परेश रावल को रिप्लेस करें। ये तो हो गई स्टोरी लाइन की बात, लेकिन हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि लोगों का अरुण गोविल यानी फेमस प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना है कि इस अपकमिंग मूवी में उनकी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण गोविल से काफी लोगों के इमोशंस और सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं जिनका फायदा डायरेक्टर जरूर उठाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस मूवी में फेम लाने की मेन वजह अरुण गोविल ही बन जाएं। उनकी ऑसम एक्टिंग और पुराने गुडविल से क्या पता ये अपकमिंग मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब बस देखना ये है कि कौन बनेगा मूवी का मेन अट्रैक्शन, अक्षय या अरुण। फिलहाल हम तो अभी इस बारे में कुछ कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। आप जरूर हमें बता सकते हैं अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना होगा। धन्यवाद। क्या लोगों को पसंद आएगा अक्षय कुमार का नया अंदाज? क्यों परेश रावल ने रिजेक्ट की फिल्म की स्क्रिप्ट? क्या पंकज त्रिपाठी ले पाएंगे परेश रावल की जगह?
दोस्तों फिल्म OMG 2 ये 2012 में आई फिल्म OMG का सीक्वल है। पिछली बार अक्षय जहां कृष्णा के अवतार में दिखाई दिए थे, वहीं इस बार अक्षय का किरदार भगवान शिव पर बेस्ड है। अक्षय की एक्टिंग पिछली फिल्म में दर्शकों द्वारा काफी सराहाई गई थी। अक्षय कुमार को लेकर तब लोगों ने कहा था कि भले ही वो इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाई थी। अक्षय कुमार जो पैडमैन और टॉयलेट जैसी सोशल फिल्मों को करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार भी OMG 2 से कुछ हटके करने वाले हैं। फिल्म की कहानी वही प्रीक्वल की तरह कोर्ट रूम में आकर पहुंचेगी, लेकिन फर्क यही है कि इस बार राइटर अमित राज ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक में भगवान का एंगल जोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अक्षय कुमार जो इस बार भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे, वो फिल्म में अपने अंदाज और डायलॉग से कुछ ऐसी सीख दर्शकों को देने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म से अक्षय का लुक सामने आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म OMG 2 में इस बार एक्टर परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी लेने वाले हैं। सुनने में आया है कि परेश को OMG 2 की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने फिल्म को करने से ही मना कर दिया। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट कोर्ट जाकर एक पेटिशन फाइल करवाता है ताकि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी हो सके। ऐसा लगता है कि परेश रावल ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से हेजिटेट कर रहे होंगे। OMG 2 को लाने का मकसद यही है कि लोगों की मेंटेलिटी को थोड़ा सा हम लोग बदल सके, उन्हें सही और गलत में फर्क बता सके। देखा जाए ना तो डायरेक्टर अमित राय ने काफी सोच समझकर परेश रावल का किरदार पंकज त्रिपाठी को सौंपा है। असल में ना दोस्तों, परेश रावल की जगह वही इंसान ले सकता है जिसके चेहरे और चाल से सिंप्लिसिटी नजर आए। OMG के वक्त परेश रावल ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, वो एक आम इंसान के किरदार को पर्दे पर बस जिंदा कर रहे थे। परेश रावल ने अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से जो दर्शकों का दिल हासिल किया था, उस स्टैंडर्ड को सिर्फ पंकज त्रिपाठी ही अचीव करने की ताकत रखते हैं। पंकज त्रिपाठी और परेश रावल में यही कॉमन फैक्टर है कि दोनों एक एक्टर होने से पहले ना एक आम इंसान है। यही कारण है कि वो दोनों एक आम इंसान की जिंदगी और उसकी दिक्कतों को पर्दे पर बारीकी से दिखा पाते हैं। दोनों एक्टर्स के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है उसमें आम इंसान की जिंदगी साफ साफ झलकती है। पंकज त्रिपाठी में वो बिहारी तजुर्बा है, वहीं परेश रावल में मराठी रुतबा है। दोनों ही एक्टर्स अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने में जरा भी पीछे नहीं है। फिल्म OMG 2 में पंकज त्रिपाठी से यही पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार लोगों को परेश रावल की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पंकज जानते हैं कि OMG के वक्त परेश रावल के परफॉर्मेंस को लोगों ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया था बल्कि वो इसे रिस्पेक्ट भी करते आए हैं। यही कारण है कि OMG 2 में पंकज परेश की जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि वो अपने अंदाज में एक अलग माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ वो और उनकी एक्टिंग को पसंद करने वाले दर्शक होंगे। क्या OMG 2 कॉन्ट्रोवर्सी की शिकार होगी? जो भी हो, हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ तो कह ही सकते हैं कि डायरेक्टर अमित राय अपनी इस फिल्म को किसी भी नेगेटिव बातों में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जब अमित राय इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो अच्छे से समझ रहे थे कि सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को गॉड का एंगल दे रहे हैं। इसके अलावा अमित राय को ये भी मालूम था कि जब कोई पहली बार किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करता है ना, तो सोसाइटी का कुछ हिस्सा यकीनन ऐसा होता है जो हथियार उठाने को हर वक्त तैयार रहता है। इसी कारण अमित ने समझदारी दिखाते हुए इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की है। वहीं ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म ऐसे वक्त पर आ रही है जहां देश भर में शिवजी की पूजा हो रही है। देखते हैं ये बात फिल्म पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ती है। देखा जाए तो जब अक्षय की फिल्म पैडमैन आई थी तो उससे पहले तक लोग पैड वर्ड को पब्लिकली यूज करने से भी घबराते थे, हेजिटेट करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद सबकी आंखें खुली है। क्या पता OMG 2 भी कोई कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो। फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। वही मोस्ट अवेटेड फिल्म की सीक्वल ओ माई गॉड 2 अब सिनेमा घरों में होगी। वही अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है।
साथ ही ओ माय गॉड की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दो दोस्तों कि फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी मुख्य किरदार में हैं। ओ माय गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार अपनी सोशल कॉमेडी ओ माय गॉड 2 के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं। दोस्तों पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, आ रहे हैं हम, आइएगा आप भी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में। पोस्ट में अक्षय कुमार भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार की फिल्म OTT के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं और ये भारत में यौन शिक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। इसका निर्देशन अमित राय ने किया है, जिसमें निर्माता अश्विन वर्दे हैं और वाईकॉम 18 और जियो स्टूडियोज भी हैं। दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार ने ओ माय गॉड 2 के बारे में बात की थी और इसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक भी बताया था। ओ माय गॉड 2 जैसी पसंदीदा चीज की फ्रेंचाइजी स्पिन करना एक जिम्मेदारी है और टीम दर्शकों की सभी अपेक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। दोस्तों इस समय पर्दे के पीछे से रिलीज की योजना पर काम किया जा रहा है और टीम इस साल बड़े पर्दे पर अपनी सामाजिक कॉमेडी लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों पिछली बार अक्षय कुमार कृष्णा के अवतार में दिखे थे, जिसमें नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा को भगवान बन समझाया था। वहीं अब शिव के रूप में तांडव करते कुछ नया संदेश समाज को देने वाले हैं। दोस्तों आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन। क्या अक्षय करेंगे करियर स्विच? क्या डायरेक्शन से कवर करेंगे एक्टिंग का क्रिटिसिज्म? कैसे हो रहा है अक्षय को बैक टू बैक मूवीज से नुकसान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। हर साल 10 से ज्यादा मूवी बनाने वाले हमारे अक्षय अब क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करने की वजह से आ रहे हैं दिक्कत में। उनकी हाल ही की मूवीज जैसे बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और आने वाली राम सेतु को जिस टाइप की क्रिटिसिज्म ऑडियंस से मिल रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अक्षय की ये ज्यादा मैक्सिमम मूवीज करने वाली स्ट्रेटेजी हो रही है फेल। ऑल्दो आज हम उनकी उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पार्ट 1 में पास्ट में ऑडियंस को काफी पसंद आया था और शायद इसीलिए डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक बार फिर ओ माय गॉड 2 के साथ हो रहे हैं हाजिर। इस मूवी में हमें अक्षय दिखेंगे भगवान शिव के अवतार, वहीं इनके साथ साथ हमें और भी स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे अरुण गोविल, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा। अब वैसे हमें भी अक्षय के अलावा किसी और एक्टर के रोल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए लीड एक्टर अक्षय की तो ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमारे मिस्टर खिलाड़ी इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस बार कुछ ये भी बोल रहे हैं कि शायद अक्षय अपनी एक्टिंग करियर से परेशान होकर अब ले रहे हैं डायरेक्शन का सहारा। ऑल्दो अक्षय ने इससे पहले प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रखा है, लेकिन शायद इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए वो डायरेक्शन से करना चाह रहे हैं ऑडियंस को इम्प्रेस। अगर अपडेट पर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्षय को मिल रही बैक टू बैक क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपना पूरा करियर ही एज अ डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं और मे बी तब वो अपने डायरेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं लूपहोल्स जो उनकी एक्टिंग में लोगों को आज दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मूवी के बारे में मेकर्स ने कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दी है, तो हमें अभी के लिए करना होगा इंतजार। साथ ही साथ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अक्षय ओ माय गॉड 2 के साथ साथ गोरखा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर ये मूवीज दिखने वाली हैं। पर फिलहाल के लिए देखना ये है कि क्या अक्षय डायरेक्टर बनकर पा पाएंगे ऑडियंस की वाहवाही। इस सवाल पर हम आपके ओपिनियन भी जरूर जानना चाहेंगे, जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता। कैसी होगी मूवी की पब्लिसिटी? कौन होगा त्रिदेव के रूप में? किसकी होगी ग्रैंड एंट्री? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं 2012 में ओ माई गॉड रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल ने मिलकर बॉलीवुड को एक मास्टरपीस दिया था और अब इसी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय का होगा लीड रोल। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार प्ले किया था, वैसे ही अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो इस अपकमिंग मूवी में करने वाले हैं भगवान शिव का कैरेक्टर। हालांकि मूवी में अक्षय के अलावा काफी और भी एक्टर्स हैं जो इस अपकमिंग मूवी को और भी मजेदार बनाने वाले हैं।
आपको बता दें कि अक्षय के साथ साथ यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और प्रभु श्रीराम यानी अरुण गोविल भी दिखने वाले हैं। अब इस बारे में लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अपकमिंग मूवी में हमें एक नहीं तीन देवता देखने को मिल सकते हैं, यानी कि त्रिदेव, जहां हमें अक्षय एज भगवान शिव, अरुण गोविल एज भगवान विष्णु और शायद पंकज त्रिपाठी एज ब्रह्मा दिख सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि त्रिदेव के कैरेक्टर में हमें अक्षय और अरुण के साथ कोई और कैरेक्टर देखने को मिले जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया हो, और वहीं दूसरी तरफ पंकज का परेश रावल को रिप्लेस करें। ये तो हो गई स्टोरी लाइन की बात, लेकिन हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि लोगों का अरुण गोविल यानी फेमस प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना है कि इस अपकमिंग मूवी में उनकी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण गोविल से काफी लोगों के इमोशंस और सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं जिनका फायदा डायरेक्टर जरूर उठाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस मूवी में फेम लाने की मेन वजह अरुण गोविल ही बन जाएं। उनकी ऑसम एक्टिंग और पुराने गुडविल से क्या पता ये अपकमिंग मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब बस देखना यह है कि कौन बनेगा मूवी का मेन अट्रैक्शन, अक्षय या अरुण। फिलहाल हम तो अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। आप जरूर हमें बता सकते हैं अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना होगा। धन्यवाद। क्या लोगों को पसंद आएगा अक्षय कुमार का नया अंदाज? क्यों परेश रावल ने रिजेक्ट की फिल्म की स्क्रिप्ट? क्या पंकज त्रिपाठी ले पाएंगे परेश रावल की जगह? दोस्तों, फिल्म OMG 2 ये 2012 में आई फिल्म OMG का सीक्वल है। पिछली बार अक्षय जहां कृष्णा के अवतार में दिखाई दिए थे, वहीं इस बार अक्षय का किरदार भगवान शिव पर बेस्ड है। अक्षय की एक्टिंग पिछली फिल्म में दर्शकों द्वारा काफी सराही गई थी। अक्षय कुमार को लेकर तब लोगों ने कहा था कि भले ही वो इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाई थी। अक्षय कुमार जो पैडमैन और टॉयलेट जैसी सोशल फिल्मों को करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार भी OMG 2 से कुछ हटके करने वाले हैं। फिल्म की कहानी वही प्रीक्वल की तरह कोर्ट रूम में आकर पहुंचेगी, लेकिन फर्क यही है कि इस बार राइटर अमित राज ने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक में भगवान का एंगल जोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अक्षय कुमार जो इस बार भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे, वो फिल्म में अपने अंदाज और डायलॉग से कुछ ऐसी सीख दर्शकों को देने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म से अक्षय का लुक सामने आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म OMG 2 में इस बार एक्टर परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी लेने वाले हैं। सुनने में आया है कि परेश को OMG 2 की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्होंने फिल्म को करने से ही मना कर दिया। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट कोर्ट जाकर एक पेटिशन फाइल करवाता है ताकि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी हो सके। ऐसा लगता है कि परेश रावल ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से हेजिटेट कर रहे होंगे। OMG 2 को लाने का मकसद यही है कि लोगों की मेंटेलिटी को थोड़ा सा हम लोग बदल सके, उन्हें सही और गलत में फर्क बता सके। देखा जाए ना तो डायरेक्टर अमित राय ने काफी सोच समझकर परेश रावल का किरदार पंकज त्रिपाठी को सौंपा है। असल में ना दोस्तों, परेश रावल की जगह वही इंसान ले सकता है जिसके चेहरे और चाल से सिंप्लिसिटी नजर आए। OMG के वक्त परेश रावल ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, वो एक आम इंसान के किरदार को पर्दे पर बस जिंदा कर रहे थे। परेश रावल ने अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से जो दर्शकों का दिल हासिल किया था, उस स्टैंडर्ड को सिर्फ पंकज त्रिपाठी ही अचीव करने की ताकत रखते हैं। पंकज त्रिपाठी और परेश रावल में यही कॉमन फैक्टर है कि दोनों एक एक्टर होने से पहले ना एक आम इंसान है। यही कारण है कि वो दोनों एक आम इंसान की जिंदगी और उसकी दिक्कतों को पर्दे पर बारीकी से दिखा पाते हैं। दोनों एक्टर्स के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है उसमें आम इंसान की जिंदगी साफ साफ झलकती है। पंकज त्रिपाठी में वो बिहारी तजुर्बा है, वहीं परेश रावल में मराठी रुतबा है। दोनों ही एक्टर्स अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने में जरा भी पीछे नहीं है। फिल्म OMG 2 में पंकज त्रिपाठी से यही पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार लोगों को परेश रावल की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पंकज जानते हैं कि OMG के वक्त परेश रावल के परफॉर्मेंस को लोगों ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया था, बल्कि वो इसे रिस्पेक्ट भी करते आए हैं।
यही कारण है कि OMG2 में पंकज परेश की जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने अंदाज में एक अलग माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ वो और उनकी एक्टिंग को पसंद करने वाले दर्शक होंगे। क्या OMG2 कॉन्ट्रोवर्सी की शिकार होगी? जो भी हो, हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ तो कह ही सकते हैं कि डायरेक्टर अमित राय अपनी इस फिल्म को किसी भी नेगेटिव बातों में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जब अमित राय इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो अच्छे से समझ रहे थे कि सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को गॉड का एंगल दे रहे हैं। इसके अलावा अमित राय को ये भी मालूम था कि जब कोई पहली बार किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करता है ना, तो सोसाइटी का कुछ हिस्सा यकीनन ऐसा होता है जो हथियार उठाने को हर वक्त तैयार रहता है। इसी कारण अमित ने समझदारी दिखाते हुए इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की है। वहीं ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म ऐसे वक्त पर आ रही है जहां देश भर में शिवजी की पूजा हो रही है। देखते हैं ये बात फिल्म पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ती है। देखा जाए तो जब अक्षय की फिल्म पैडमैन आई थी तो उससे पहले तक लोग पैड वर्ड को पब्लिकली यूज करने से भी घबराते थे, हेजिटेट करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद सबकी आंखें खुली है। क्या पता OMG2 भी कोई कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो। फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। वही मोस्ट अवेटेड फिल्म की सीक्वल ओ माय गॉड 2 अब सिनेमा घरों में होगी। वही अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, साथ ही ओ माय गॉड की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दो दोस्तों कि फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी मुख्य किरदार में हैं। ओ माय गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार अपनी सोशल कॉमेडी ओ माय गॉड 2 के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं। दोस्तों पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, आ रहे हैं हम, आइएगा आप भी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में। पोस्ट में अक्षय कुमार भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार की फिल्म OTT के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं और ये भारत में यौन शिक्षा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। इसका निर्देशन अमित राय ने किया है, जिसमें निर्माता अश्विन बर्दे हैं और वाईकॉम 18 और जियो स्टूडियोज भी हैं। दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार ने ओ माय गॉड 2 के बारे में बात की थी और इसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक भी बताया था। ओ माय गॉड 2 जैसी पसंदीदा चीज की फ्रेंचाइजी स्पिन करना एक जिम्मेदारी है और टीम दर्शकों की सभी अपेक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। दोस्तों इस समय पर्दे के पीछे से रिलीज की योजना पर काम किया जा रहा है और टीम इस साल बड़े पर्दे पर अपनी सामाजिक कॉमेडी लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों पिछली बार अक्षय कुमार कृष्णा के अवतार में दिखे थे, जिसमें नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा को भगवान बन समझाया था। वहीं अब शिव के रूप में तांडव करते कुछ नया संदेश समाज को देने वाले हैं। दोस्तों आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जी। क्या अक्षय करेंगे करियर स्विच? क्या डायरेक्शन से कवर करेंगे एक्टिंग का क्रिटिसिज्म? कैसे हो रहा है अक्षय को बैक टू बैक मूवीज से नुकसान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। हर साल 10 से ज्यादा मूवी बनाने वाले हमारे अक्षय अब क्वालिटी और क्वांटिटी चूज करने की वजह से आ रहे हैं दिक्कत में। उनकी हाल ही की मूवीज जैसे बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और आने वाली राम सेतु को जिस टाइप की क्रिटिसिज्म ऑडियंस से मिल रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अक्षय की ये ज्यादा मैक्सिमम मूवीज करने वाली स्ट्रेटेजी हो रही है फेल। ऑल्दो आज हम उनकी उस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पार्ट वन में पास्ट में ऑडियंस को काफी पसंद आया था और शायद इसीलिए डायरेक्टर उमेश शुक्ला एक बार फिर ओ माय गॉड 2 के साथ हो रहे हैं हाजिर। इस मूवी में हमें अक्षय दिखेंगे भगवान शिव के अवतार। वहीं इनके साथ साथ हमें और भी स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे अरुण गोविल, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी एक्सेट्रा। अब वैसे हमें भी अक्षय के अलावा किसी और एक्टर के रोल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए लीड एक्टर अक्षय की तो ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार हमारे मिस्टर खिलाड़ी इस अपकमिंग मूवी में डायरेक्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ,
इस बार कुछ ये भी बोल रहे हैं कि शायद अक्षय अपनी एक्टिंग करियर से परेशान होकर अब ले रहे हैं डायरेक्शन का सहारा। ऑल्दो अक्षय ने इससे पहले प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमा रखा है, लेकिन शायद इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए वो डायरेक्शन से करना चाह रहे हैं ऑडियंस को इम्प्रेस। अगर अपडेट पर ध्यान दें तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्षय को मिल रही बैक टू बैक क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपना पूरा करियर ही एज अ डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं और मे बी तब वो अपने डायरेक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं लूपहोल्स जो उनकी एक्टिंग में लोगों को आज दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मूवी के बारे में मेकर्स ने कुछ खास कन्फर्मेशन नहीं दी है, तो हमें अभी के लिए करना होगा इंतजार। साथ ही साथ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अक्षय ओ माई गॉड 2 के साथ साथ गोरखा और रक्षाबंधन जैसी मूवीज पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर ये मूवीज दिखने वाली हैं। पर फिलहाल के लिए देखना ये है कि क्या अक्षय डायरेक्टर बनकर पा पाएंगे ऑडियंस की वाहवाही। इस सवाल पर हम आपके ओपिनियन भी जरूर जानना चाहेंगे, जो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता। कैसी होगी मूवी की पब्लिसिटी, कौन होगा त्रिदेव के रूप में, किसकी होगी ग्रैंड एंट्री। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2012 में रिलीज हुई फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं 2012 में ओ माय गॉड रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल ने मिलकर बॉलीवुड को एक मास्टरपीस दिया था और अब इसी मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय का होगा लीड रोल। जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार प्ले किया था, वैसे ही अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो इस अपकमिंग मूवी में करने वाले हैं भगवान शिव का कैरेक्टर। हालांकि मूवी में अक्षय के अलावा काफी और भी एक्टर्स हैं जो इस अपकमिंग मूवी को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षय के साथ साथ यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और प्रभु श्रीराम यानी अरुण गोविल भी दिखने वाले हैं। अब इस बारे में लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अपकमिंग मूवी में हमें एक नहीं तीन देवता देखने को मिल सकते हैं, यानी कि त्रिदेव, जहां हमें अक्षय एज भगवान शिव, अरुण गोविल एज भगवान विष्णु और शायद पंकज त्रिपाठी एज ब्रह्मा दिख सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि त्रिदेव के कैरेक्टर में हमें अक्षय और अरुण के साथ कोई और कैरेक्टर देखने को मिले जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया हो, और वहीं दूसरी तरफ पंकज का परेश रावल को रिप्लेस करें। ये तो हो गई स्टोरी लाइन की बात, लेकिन हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि लोगों का अरुण गोविल यानी फेमस प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना है कि इस अपकमिंग मूवी में उनकी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अरुण गोविल से काफी लोगों के इमोशंस और सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं जिनका फायदा डायरेक्टर जरूर उठाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस मूवी में फेम लाने की मेन वजह अरुण गोविल ही बन जाएं। उनकी ऑसम एक्टिंग और पुराने गुडविल से क्या पता ये अपकमिंग मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। अब बस देखना यह है कि कौन बनेगा मूवी का मेन अट्रैक्शन, अक्षय या अरुण। फिलहाल हम तो अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। आप जरूर हमें बता सकते हैं अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना होगा। धन्यवाद।